नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? तो आज हमारी केमिस्ट्री की टीम हम लोगों ने चेंज की है। मैंने पहले कहा था सीएलसी की पूरी टीम आपके साथ रहेगी इसमें। तो जैसा कि आप जानते हैं, केमिस्ट्री के अब तक 6 वीडियो दोस्तों आपके पास आ चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, रिडॉक्स, गैसीय स्टेट और सॉल्यूशन। आज स्टार्ट हो रहा है इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का 7वां वीडियो, केमिस्ट्री का 7/45वां वीडियो आपके पास आ रहा है। आज हमारी टीम को बहुत ही युवा चेहरे, आप हनुमान हैं, बजरंगबली हनुमान जांगीर, मेरी टीम के बहुत मजबूत व्यक्ति हैं। आप हमारे संजय अग्रवाल हैं, दोनों बहुत यूथ लड़के हैं, अपने सब्जेक्ट पे अच्छा कमांड रखते हैं और एक बच्चों को कुछ देने का दर्द पालते हैं आप हमेशा। आपकी इच्छा होती है कि मेरे स्टूडेंट को मैक्सिमम दूं मैं, ठीक है ना? तो मैं चाहूंगा कि आप इन मेरे दोनों साथियों को बहुत ढंग से फॉलो करें ताकि आपका इक्विलिब्रियम जो केमिकल हो या आयनिक हो, उसके आगे के टॉपिक्स फिजिकल को आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है डियर? तो आज ये 7वां वीडियो शूट होने जा रहा है और एक पूरा राम सर और विकास कुमार सर के 6 वीडियो देख चुके हैं। ऐसे अगले 5 से 6 वीडियो आप देंगे, फिर एक टीम आपके साथ और आएगी, ठीक है डियर? तो आप दोनों को शुभकामनाएं भाई, अच्छा करें और बिल्कुल बहुत ही सिस्टम तरीके से आप अपनी क्लास को स्टार्ट करें। ओके, थैंक यू। करें सर स्टार्ट? हाँ जी सर। देखो, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये दे रखा है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्टिव मासेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इन गैसेस मिक्सचर कंटेनिंग 1 ग्राम पर लीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। दो चार गैसें दे रखी है आपको और आपसे ये पूछा गया है कि एक्टिव मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो पहले अपन समझते हैं सर एक्टिव मास क्या होता है। एक्टिव मास बच्चों अपन हिंदी में बात करें तो सक्रिय द्रव्यमान। तो एक्टिव मास को समझने के लिए अपन को जब अपना लॉ ऑफ मास एक्शन है उसमें गुलबर्ग और वागे ने अपन को बताया है कि एक्टिव मास जिसे अपन स्क्वायर ब्रैकेट से बताते हैं दैट इज इक्वल टू एक्टिविटी कोफिशियंट जिसे लैम्डा से बताते हैं इनटू कंसंट्रेशन। बेटा सिंपली इतना अपन को डीप में नहीं जाना है, आप ये याद रखो गैसों के डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए लैम्डा बल होता है। तो जब लैम्डा बल हो गया तो उस केस में बेटा मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि आपका जो एक्टिव मास होगा वो कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होगा। और कॉन्सेंट्रेशन सिंपल बोले तो बेटा अपन बोल सकते हैं मोल अपॉन वॉल्यूम। मैं ऐसा बोल दूं क्या सर, मोल अपॉन वॉल्यूम जो होगा ये जो है वो मोलरिटी के बराबर भी होगा। बिल्कुल सर, करेक्ट बात है। आपने सॉल्यूशन में पढ़ा था कंसंट्रेशन के टर्म्स तो खूब सारे हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ पे जो अपन कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं मोल अपॉन वॉल्यूम, तो इसका मतलब ये मोलरिटी हो गया। अब सुनो बात को, अगर एक्टिव मास मैंने अगर ये लिखा है तो एक्टिव मास का मतलब नंबर ऑफ मोल, क्योंकि यहाँ पे अपन को क्या दे रखा है, मास दे रखा है। मास दे रखा है तो उन्होंने मोल को ऐसा लिख दिया मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, सही बात। अगर ये लिखा और वॉल्यूम एट इट इज पड़ा है इन लीटर में, अब देखिए आपको ये बोला है 1 ग्राम, इसका मतलब मास कॉन्स्टेंट है। वॉल्यूम 1 लीटर ये दे रखा है, इसका मतलब एक्टिव मास जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आएगा मॉलिक्यूलर वेट के इस वाले क्वेश्चन के लिए। और बेटा यहां से अपन ये कह सकते हैं कि अब अपना क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्मूले पे चला गया कि एक्टिव मास जो होगा वो मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि यहाँ पे मास और वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो अब अपन चारों को मॉलिक्यूलर वेट चेक करेंगे और मॉलिक्यूलर वेट का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा वो एक्टिव मास का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो सर NH3 का मॉलिक्यूलर वेट हो गया 70, बिल्कुल करेक्ट है सर। इसका हो गया 28, इसका हो गया 2 और इसका हो गया 32। तो मैं ऐसा बोल दूं क्या, एक्टिव मास का और ये एक्टिव मास का जो ऑर्डर आएगा वो सबसे ज्यादा H2 का आना चाहिए, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है। उसके बाद आना चाहिए अमोनिया का, तो ये लो अमोनिया हो गया। उसके बाद आना चाहिए N2 का और उसके बाद आना चाहिए O2 का। तो सबसे ज्यादा जो आना चाहिए वो थर्ड आना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है सर। तो आप देखोगे अगर ऑब्जेक्टिव अप्रोच आ रहा तो ये दो तो ऑप्शन होंगे ही नहीं कभी भी, थर्ड वाले में ये लो थर्ड और उसके बाद में फर्स्ट आना चाहिए, तो आंसर हो जाना चाहिए फोर्थ। तो हाँ, एक बात मैं और बोलना चाह रहा हूँ, आपने यहाँ पे एक्टिव मास सर एक्सप्लेन किया है, तो मैं ऐसा बोलूं क्या, सॉलिड और लिक्विड का जो एक्टिव मास होता है वो हमेशा 1 लिया जाएगा। बिल्कुल, सॉलिड और लिक्विड के लिए तो एक्टिव मास पूरा टोटल 1 मान लेते हैं, और जब गैसों के डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें, गैसों के तनु विलयन की बात करें, तो उस केस में लैम्डा 1 होता है और वहां पे हम सक्रिय द्रव्यमान को मोलरता, इट मींस जो सांद्रता का एक पद होता है, उसके रूप में व्यक्त कर देते हैं। सॉलिड का एक्टिव मास या लिक्विड का एक्टिव मास 1 होने का एक रीजन है कि उसकी डेंसिटी जो होती है वो चेंज नहीं होती, इसलिए उसका एक्टिव मास क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो जब भी आपको अगर मिक्सर मिले, हिट्रोजीनियस मिक्सर मिले, तो सॉलिड और लिक्विड का एक्टिव मास 1 लेना है। तो एक्टिव मास से रिलेटेड मेरे अकॉर्डिंग सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। चले आगे, चले सर। ओके, तो अब अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को बोलता है
x, y and z react in the 1:1:1 stoichiometric ratio, the concentration of x, y and z were found to vary with the time as shown in the figure. मतलब अपन को x, y, z रस समीकरण मिति अनुपात स्टोइकोमेट्री अनुपात बता रखा है 1:1:1 है, और ग्राफ से सर अपन को बताना है कि x, y, z कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के अकॉर्डिंग किसको रिप्रेजेंट करता है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन ये है ओवरऑल कि आपको ये ग्राफ दे रखा है कंसंट्रेशन का टाइम के साथ चेंज का, और पूछा है कि इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन और अपन से ये पूछा जा रहा है कि 1:1:1 में, तो इसका मतलब x का भी कोफिशिएंट 1 हो, y का भी कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और z का भी 1 होना चाहिए, वो तो सारे ऑप्शन में अपन को 1:1 ही दिख रहे हैं। अब देखिए सर, इस ग्राफ में देखो तो मेरे को ये चीज समझ में आ रही है कि x की कंसंट्रेशन जो है ना वो डिक्रीज हो रही है, बिल्कुल x की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये रिएक्टेंट होना चाहिए, क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि रिएक्टेंट टाइम के साथ साथ डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट टाइम के साथ साथ इंक्रीज होता है। जैसे अपन ने कोई रिएक्शन की बात की, रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट, तो जैसे जैसे अपन ने टाइम इनिशियली जीरो से स्टार्ट किया तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होना स्टार्ट होगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। सर क्या ऐसे ही अपन इसको करेंगे? ठीक है, अब देखो इसका मतलब ये इंक्रीज हो रहा है तो जेड जो होना चाहिए वो प्रोडक्ट की साइड में आना चाहिए, तो जेड जो आएगा वो पी की साइड में आएगा। तो पहले तो ये क्लियर कर लो, एक्स जो है वो रिएक्टेंट की साइड में होना चाहिए सर, और जेड जो होना चाहिए वो प्रोडक्ट की साइड में होना चाहिए। मतलब थर्ड ऑप्शन अपना रॉन्ग हो गया, फोर भी गया सर, बिल्कुल करेक्ट बात। अब पीछे बच गया कौन सा, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन। अब देखिए सर, वाई की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुई है, कांस्टेंट चल रही है, एक्टिव मास उसका चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि वाई जो होगा वो या तो लिक्विड होगा या फिर सॉलिड होगा, क्योंकि अभी अपन ने लास्ट क्वेश्चन में बात की थी कि एक्टिव मास सॉलिड और लिक्विड के लिए 1 होता है और गैस के लिए अपन कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल मानते हैं। यहाँ पे वाई की कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब सॉलिड या लिक्विड है। तो अब ऑप्शन अपने पास फर्स्ट और सेकंड बचा है, तो फर्स्ट में तो y गैस है तो ये तो नहीं हो सकता, इसका मतलब सेकंड अपना है जिसमें y की कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट है ड्यू टू सॉलिड, x अपना रिएक्टेंट गैस है जो डिक्रीज हो रहा है, और z अपना प्रोडक्ट है जो इंक्रीज हो रहा है। तो मेरे ख्याल से सर आंसर अपना सेकंड होना चाहिए। सही है सर, आंसर सेकंड ही होगा, y जो है वो सॉलिड फेज में इसलिए इसका एक्टिव मास जो है वो चेंज नहीं हुआ, कॉन्स्टेंट रहा है, तो इसकी वजह से y को अपन ने जो है वो सॉलिड फेज में आइडेंटिफाई करके आंसर ये किया है, और पहले अपन ने चेक कर लिया था x रिएक्टेंट होना चाहिए और z प्रोडक्ट होना चाहिए। चले सर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को बोलता है तीन अलग अलग ऑक्साइड्स के डीकंपोजिशन बताए हैं, उनके लिए हमारे को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, एंड अपन को पता करना है विच ऑक्साइड इज मोस्ट स्टेबल, मतलब कौन सा ऑक्साइड अधिक स्थायी है। तो सर अपन इसमें क्या कर सकते हैं? देखो सर, अगर आपको ये दे रखा ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो मैं एक सिंपल सी बात बोलू ना, तो कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो आपकी, अगर कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाएगा तो वो ऐसा लिखा जाएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, इसका सिंपल सा मीनिंग है k इज इक्वल टू p बाई r होगा। सर अगर k की वैल्यू अगर ज्यादा है ना, k की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब एक दो कंक्लूजन आ सकता है, या तो p ज्यादा होगा या फिर r कम होगा। बेटा ऐसा इसलिए बोला क्योंकि k प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो k इंक्रीज हुआ तो प्रोडक्ट बढ़ा, रिएक्टेंट डिक्रीज हुआ। और सेकंड केस सर क्या बोल सकते हैं जब k डिक्रीज करे? मैं अगर ऐसा बोलूंगा k डिक्रीज होगा, अगर आप k को डिक्रीज कर रहे हो तो इसका मतलब या तो p डिक्रीज हुआ होगा या फिर r इंक्रीज हुआ होगा। अब अपन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब एक सेकंड सर, और मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे अगर सपोज करो p बढ़ रहा है, तो p बढ़ रहा है या p बन रहा है, ज्यादा बन रहा है, तो इसका मतलब वो ज्यादा स्टेबल होगा तभी बन रहा है, हमेशा प्रोडक्ट जो होगा वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी रिएक्शन। अगर p ज्यादा बन रहा है इसका मतलब वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। पहले आप इस क्वेश्चन में देखें सर, इसमें ये दे रखा है कि AO, BO, CO और DO जो है ये डीकम्पोज हो रहे हैं। अगर ये डीकम्पोज हो रहे हैं तो और अपन से पूछा है कौन सा मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड है, इसका मतलब प्रोडक्ट जब आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे तो यहां तो आएगा प्रोडक्ट और यहां पे आएगा ऑक्साइड। बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि रिएक्टेंट अपने सारे जो है वो ऑक्साइड है, चाहे AO की बात करें, चाहे BO की, चाहे CO की, चाहे DO की। अब अपन बात करें कि मुझे ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल चाहिए तो इसका मतलब ये टूटे नहीं, अगर ये टूटे नहीं तो इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाए। अब अपन चारों ऑप्शन में देखें बेटा, तो K की इसमें वैल्यू है 5×10^5। अपन आगे की वैल्यूज की बजाय पहले अपन इनके एक्सपोनेंशियल पावर को चेक कर लें। यहाँ पे 10^5 है, यहाँ पे 10^12, यहाँ 10^8 और यहाँ 10^21। मुझे K सबसे कम चाहिए, K सबसे कम कहाँ है, 10^5 में,
तो K कम होगा तो रिएक्टेंट ज्यादा बनेगा या रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब K कहां पे है, फर्स्ट में, तो AO वाला जो ऑक्साइड है वो ज्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब अपना सर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। बिल्कुल सही बात है सर। अगर ये क्वेश्चन जैसे देखे, अगर इसी क्वेश्चन को मैं रिवर्ट कर देता हूं, क्वेश्चन रिवर्ट ऐसे हो जाता, अगर रिएक्टेंट इधर होता और इस साइड में अगर ऑक्साइड होता, अगर इस साइड में अगर ऑक्साइड होता प्रोडक्ट की साइड में, तो मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे लिखता, K इज इक्वल टू ऑक्साइड अपॉन रिएक्टेंट। तो उस कंडीशन में अगर मेरे को ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होता तो ज्यादा बनता, तो इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती तो K ज्यादा होता। तो उस कंडीशन में अगर प्रोडक्ट की साइड में ऑक्साइड आता तो मैं ऐसा बोलता जिसका K ज्यादा होगा उसका फिर क्या होना चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड भी ज्यादा होनी चाहिए। सर इसका मतलब टोटल मिला के अपन को यदि ये दो फॉर्मूले ध्यान है तो अपन को कैसा भी क्वेश्चन दे सर अपन उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। बस यहाँ पे ये जरूर याद रखें, जल्दी जल्दी में ये नहीं पढ़ना है कौन सी रिएक्शन ज्यादा स्टेबल है, यहाँ ऑक्साइड पूछा है तो रिएक्टेंट की बात कर रहा है। आप पहले ये चेक करें बिल्कुल तसल्ली से कि ऑक्साइड जो है वो किधर है, रिएक्टेंट की साइड में या प्रोडक्ट की साइड में, रिएक्टेंट की साइड में तो K कम रखना है, प्रोडक्ट की साइड में तो K ज्यादा रखना है। ठीक है सर, चलिए सर चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अपन को सेलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट। बेटा यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलना चाह रहा हूँ, मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे जल्दी जल्दी में गलती कर देते हैं, इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है पहले तसल्ली से वो चीज जरूर देखें। तो अपन को यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। अब इसमें पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है अपन को, कैटलिस्ट मेक्स अ रिएक्शन मोर एक्सोथर्मिक, मतलब उत्प्रेरक अभिक्रिया को अधिक ऊष्माशेपी बना देता है। सर कैटलिस्ट जो होता है ना वो ओनली फोर जो है वो रिएक्शन की रेट को अल्टर करता है, या तो रेट ऑफ द रिएक्शन को बढ़ाएगा या फिर रेट ऑफ द रिएक्शन को कम करेगा, कोई भी थर्मोडायनेमिक चेंज नहीं करना चाहिए। ये तो बोला थर्मोडायनेमिक चेंज होगा तो इसका मतलब ये तो नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब अपना ए नहीं होगा। अब बी की बात करते हैं, बी क्या बोलता है। सर ये बोल रहा है कि ये रिएक्शन दे रखी है, ये हेटेरोजेनियस सिस्टम है सर, क्योंकि इसके अंदर एक सॉलिड भी आया है और एक गैस है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊं, सबने बोला हेटेरोजीनियस, बेटा हेटेरोजीनियस का मतलब यदि रिएक्शन में एक से ज्यादा स्टेट दे रखी है मतलब सारी सेम नहीं है तो हेटेरोजीनियस है, और होमोजीनियस मतलब सारी स्टेट सेम होंगी। ये देखो यहाँ पे दो स्टेट हो गई, एक सॉलिड और एक गैस, तो ये हेटेरोजीनियस हो गया, विषमांगी मिश्रण हो गया, विषमांगी साम्य हो गया। अब अगर मेरे को इसका केपी लिखना है तो केपी लिखना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लिखूंगा, सॉलिड के तो प्रेशर होते ही नहीं सर, तो ये प्रेशर तो लिखूंगा ही। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे ये ऑप्शन इसीलिए डाला गया है क्योंकि बच्चे यहाँ धोखा खा जाते हैं। यहाँ पे सॉलिड की बात की है तो ध्यान रखिएगा सॉलिड का प्रेशर अपन इंक्लूड नहीं करेंगे, ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द प्रेशर ऑफ CO2। तो इसका मतलब सर सेकंड ऑप्शन तो सही हो गया, तो सेकंड ऑप्शन अपना मतलब बी करेक्ट है सर। ऑप्शन अभी अपन आगे देखेंगे। चले सर अगर मैं इसका केसी भी लिखता ना तो केसी लिखता उस समय कंसंट्रेशन ऑफ CO2 लिखनी चाहिए थी मेरे को। बिल्कुल सही बात है सर, अपन ने पहले बात कर ली थी कि सॉलिड के सॉलिड और सॉलिड का एक्टिव मास 1 होगा। बिल्कुल सही सर। सी पे चलते हैं, सी बोलता है अपन को एक कैटलिस्ट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन, मतलब एक उत्प्रेरक अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक का मान बढ़ा देता है। बेटा एक चीज आपको याद रखनी है, साम्य स्थिरांक का मान केवल और केवल ताप से प्रभावित होता है, के इक्विलिब्रियम जो होता है वो ओनली एंड ओनली टेम्परेचर से इफेक्टेड होगा, वो उत्प्रेरक मतलब कैटलिस्ट से नहीं होगा। और वहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट लाइन भी लिखवाई जाती है कि चाहे अपन इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करें या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें दोनों ही कैटलिस्ट से इफेक्टेड नहीं होती है। सही बात है सर, इसका मतलब ये अपना रॉन्ग है। सही बात, एक बात और बोल देता हूँ, साम्य स्थिरांक या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली फॉर जैसे सर ने बोला ना टेम्परेचर, दो फैक्टर के ऊपर ही डिपेंड करेगा, एक टेम्परेचर एक मोड ऑफ द रिएक्शन। अगर आपने रिएक्शन को उल्टी कर दी या फिर 1/2 कर दिया, रिवर्ट कर दिया इस टाइप का किया तो चेंज होगा, या फिर टेम्परेचर के साथ, इसके अलावा कोई भी फैक्टर लगा लो चाहे कंसंट्रेशन प्रेशर कुछ भी लगा लो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा सर कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया सी। हां, फोर्थ पे बात करते हैं, बी बोलता है अभिक्रिया या रिएक्शन H2 + I2 चेंज इनटू 2HI के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है साम्य स्थिरांक के विमाहीन होगा। बेटा मैं आपको यहां पे एक चीज बताना चाहूंगा कि के इक्विलिब्रियम की जो यूनिट होती है यदि केसी के टर्म में बात करें तो होती है कॉन्सेंट्रेशन की पावर डेल्टा एनजी। सर डेल्टा एनजी की अपन बात करेंगे, डेल्टा एनजी मेरे को ये समझ में आ रहा है कि ये जो है वो गैसियस मोल होने चाहिए प्रोडक्ट के, माइनस गैसियस मोल होने चाहिए
रिएक्टेंट। और ये फॉर्मूला जो सन ने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल्टा एनजी में इंपॉर्टेंट थिंग केवल अपन गैस की गैस के नहीं बात, ये जरूर याद रखें। तो यहाँ पे अपन ने देखा ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। इसका डेल्टा एनजी सर अगर प्रोडक्ट के मोल की बात करूँ तो दो हो गया, यस। रिएक्टेंट के मोल की बात करूँ तो इधर भी एक है, इधर भी एक है, तो अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँ तो 2 - 1 + 1 इसका मतलब डेल्टा एनजी तो जीरो हो गया। बिल्कुल, तो इसका मतलब इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी जीरो हो गया। तो डेल्टा एनजी जीरो होते ही इसका मतलब किसी की भी पावर जीरो, तो वन हो जाएगा सर, वन हो जाएगा। इसका मतलब यूनिट आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा बेटा यूनिट लेस आ जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही बात है सर। तो सर इसका मतलब अपना बी और डी करेक्ट हो गया। आप चारों ऑप्शन आप चेक कर लीजिए कौन सा फोर्थ आंसर आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो इसका बेटा अपना फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन का, जो मैंने आपको एक एक ऑप्शन से आपको समझाया कि क्या स्टेटमेंट होना चाहिए क्या। सबसे इंपोर्टेंट बात अगर अपन बात करें तो कैटलिस्ट का फंक्शन समझ में आ गया। मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, कैटलिस्ट थर्मोडायनेमिक्स कोई भी चेंज नहीं करेगा, बस आपको ये ध्यान रखना है। चले सर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अपन को बोल रहा है 2 mole of PCl5 were introduced in a vessel of 5 liter capacity at a particular temperature at equilibrium. PCl5 was found to be 35% dissociated into PCl3 and Cl2. Then value of Kc for the reaction. बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपन को डेटा दिए हैं मैं उसको लिखना चाह रहा हूँ। एक बार मैं इसको रफ पेज करके देख लेता हूँ कि क्या चीज कैसे दे रहा है। तो अपन को बेटा PCl5 की जो रिएक्शन दी है वो ये दी है, PCl5 डीकम्पोज हो रहा है PCl3 प्लस Cl2 में। डन बेटा, यहां से बेटा मैं बात करूं तो हमको दिया है अल्फा 35% बोले तो 0.35। सर ये अल्फा जो है ना वो ये होना चाहिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा। DOD का मतलब हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वियोजन की मात्रा। इसी के थ्रू अपन मेरे हिसाब से सर ये होता है, ये अल्फा जो है ना वो ये होता है कि एक मोल में से कितना मोल वियोजित हो रहा है। बिल्कुल करेक्ट बात, एक मोल में से कितना मोल वियोजित हो रहा है। तो मैं ऐसा लिख दूं, डिसोसिएटेड मोल वियोजित होने वाले मोलों की संख्या डिसोसिएटेड मोल्स अपॉन इनिशियल मोल या टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, या इनिशियल में जो दे रखा है उसी की बात करें। बिल्कुल सर, डिसोसिएटेड मोल तो सर अपन इसको इनिशियल मोल ऑफ रिएक्टेंट। सर अपन यदि डिसोसिएटेड मोल को x बोल दें, स्मॉल x, तो मैं ये बोल सकता हूं क्या अल्फा इज इक्वल टू x अपॉन a। सही है सर, बोल सकता हूं, या x इज इक्वल टू अल्फा इनटू अल्फा। अब अपन बेटा इधर बात करें, इनिशियल मोल मेरे को PCl5 बताया है 2 मोल से रिएक्शन स्टार्ट हुई है। तो जब इनिशियली रिएक्शन स्टार्ट हुई 2 मोल, उस टाइम कंटेनर में PCl3 और Cl2 के 0-0 कुछ भी अगर इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी तो सब 0-0 ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि अपन तो ये सोचते हैं कि रिएक्टेंट से ही रिएक्शन स्टार्ट होती है। अब यदि अपन टी टाइम पे बात कर रहे हैं, ऐसा मूवमेंट कि जब अपन मान के चल रहे हैं इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुकी है, उस टाइम हमने माना 2 - x, 1 के लिए x है, तो यहाँ भी x मिलेगा, ये भी x मिलेगा। सही है, और x को सर यहाँ से अपन कैलकुलेट करके देखें। सर ये आप x और x ये लिख रहे हो, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये ऐसे ही लिख रहे हो ना कि ये जो अमाउंट डिसोसिएट होगा और जो अमाउंट बनेगा उसका रेशियो वही होना चाहिए जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट बात है, जो अपन ने मोल में बात की थी। बिल्कुल सर, जो 1 मोल के लिए x लिया है तो यहां 1 मोल ही बन रहा है, इसलिए x x। अगर जैसे सपोज करो सर यहां अगर 2 हो जाता तो यहां 2 हो जाता तो फिर मैं यहां 2x लिखता, फिर अपन को 2x लेना पड़ता जो अपन मोल कांसेप्ट में पढ़ते हैं। बिल्कुल सर, ये स्टोइकोमेट्री से ही रिलेटेड बात की जा रही है। अब अपन बेटा x की वैल्यू की बात करें तो ये तो अपने पास है स्टार्टिंग में इनिशियल मोल 2, अल्फा मैं बात करके आया हूं 0.35, तो यहां से मैं बात करूं तो ये आएगा अपने पास 0.70। यहां पे मैं यदि सारी वैल्यूज को पुट करूं तो 2 - 0.70 ये आएगा अपने पास 1.3, ये आ जाएगा अपने पास 0.7 और यहां ये भी आ जाएगा 0.7। दैट इज द मोल एट इक्विलिब्रियम। ये t is equal to 0 टाइम इनिशियल टाइम था, ये t टाइम इक्विलिब्रियम पर मोल आए। अब अपन वॉल्यूम की बात करें, यहां पे धोखा हो जाता है बेटा, ये याद रखें कि वॉल्यूम आपको 1 लीटर दिया है या नहीं दिया। यदि वॉल्यूम 1 लीटर नहीं दिया तो आप उसी के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन की बात करोगे। सही बात है ना सर? सही। तो सर अपन को इस क्वेश्चन में वॉल्यूम कितना दिया था? इसमें वॉल्यूम दिखेगी, इसमें वॉल्यूम की अपन बात करें बेटा तो 5 लीटर दिया है। तो अब अपन बात करें कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, तो मैंने कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम बात की तो 1.3/5 मोल अपॉन वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, तो 1.3 तो मोल आ गए अपॉन 5 वॉल्यूम आ गए। सही है सर, इधर 0.7 मोल है 5 लीटर वॉल्यूम में, इधर 0.7 मोल है 5 लीटर वॉल्यूम में। सही है सर। अब अपन केसी की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अपन को आप सर बता रहे, देखिएगा। दो केसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, केसी की कैलकुलेट करना हो, केपी कैलकुलेट करना हो आपको, तो मैं एक जनरलाइज फॉर्मूला बता रहा हूँ एक तो, ठीक है। कंसेंट्रेशन तो चलो ठीक है, कंसेंट्रेशन पढ़ाया तो कोई इशू वाली बात नहीं है,
जैसे अगर मैं बात करूं अगर एसी अगर ये रिएक्शन लिखी M1A होमोजीनियस मान रहे अपन, M2B ये अगर कन्वर्ट हो रहा है N1C plus M2B के अंदर, तो सर ये मैं यहाँ पे ये सारे अपन गैस की बात कर रहे हैं, मैंने बोला होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, गैसीय सिस्टम मान रहे हैं, तो अगर इसका केसी की बात करूं तो प्रोडक्ट लिखना होगा C और इसका स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चला जाएगा पावर में, मतलब जो स्टोकियोमेट्री आएगी वो पावर में, पावर में जाएगी, ठीक है। तो ये डी हो गया, ये प्रोडक्ट हो गए और अपोन में आएगा रिएक्टेंट, वही तरीका एक्टिव मास की पावर एम वन और इधर बी के एक्टिव मास की पावर एम टू, ये तो हो गया केसी का सर। अगर यही मेरे को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर किसके टर्म्स में चाहिए सर, प्रेशर के टर्म्स में, तो प्रेशर के टर्म्स में मैं केपी जब लिखूंगा तो ऐसा लिखूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सी रेस टू द पावर एन वन मल्टीप्लाई बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ डी रेस टू द पावर एन टू अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रेस टू द पावर एम वन मल्टीप्लाई बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ बी रेस टू द पावर एम टू। इसका मतलब सर अपन जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसको अपन ने टू वेज में क्लासिफाई कर दिया, केसी और केपी। केसी इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, केसी का मतलब ही ये सर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में, और पी पार्शियल प्रेशर, ठीक है बेटा। तो अब अपन को यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की बात करनी है, इसका मतलब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, तो मैं इस रिएक्शन के लिए केसी की बात करूं तो केसी का फॉर्मूला लगा सकता हूं मैं पीसीएल थ्री मतलब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, और ये कॉन्सेंट्रेशन अपन इक्विलिब्रियम पर लेंगे, ये चीज याद रखना, क्योंकि कॉन्स्टेंट कौन सा है, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पे वैल्यूज अपने पास ऑलरेडी आ गई सर, इसको वैल्यू मेरे हिसाब से ये बेटा कि आप इसे ना कंप्लीट सॉल्व नहीं करें, पहले इसको यहीं पे रख दे 0.7 डिवाइड बाई 5 ऐसा पढ़ा रहने दे, 0.7 डिवाइड बाई 5 आएगा और ये 1.3 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा सर, ये मेरे हिसाब से ये बन गया 0.49 डिवाइड बाई 1.3 into 5, तो इसका मतलब 0.49 upon 6.5 बन गया सर। अब अपन इसका एक बार ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। अगर सर मैं आपको रफली आइडिया दे दूं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो ये 49 है और ये 6 है, तो लगभग सर जो है ना वो 7 पॉइंट समथिंग का कोई ऑप्शन राइट होना चाहिए सर, 0.0 क्योंकि ये पॉइंट लगा हुआ है सर, 7 का डिजिट बनेगा, तो एक बार अपन क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग जैसा सर बता रहे हैं, तो मेरे ख्याल से थर्ड या फोर्थ में से होना चाहिए 7 का डिजिट। अब यदि सर पॉइंट्स को सॉल्व करें तो सर फोर्थ ऑप्शन सर अपना करेक्ट होना चाहिए, हाँ। ठीक है बेटा, तो केसी और केपी लिखना है आपको, एक जनरलाइज रिएक्शन दे रखी हो, तो केसी और केपी कैसे लिखोगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखना होता है, मैंने एक जनरलाइज रिएक्शन ली थी और उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा एक्सप्लेन किया। तो सर अपन ने इसके थ्रू केसी केपी सर ने आपको समझाया, कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कैसे निकालनी है वो बताया, और साथ में एक्टिव मास का क्या यूज है गैस के लिए वो सारी बात बताई है। तो सर अपन अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, बिल्कुल सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो अपन को बोलता है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन H2 plus CO2 चेंज इनटू H2O plus CO is 1.80, मतलब अपन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी दे दिया है 1.80 सर। इसमें एक बात है कि इसने मेंशन नहीं किया केसी, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूं सर कि इसमें डेल्टा एनजी 0 है, अगर डेल्टा एनजी 0 है तो देखिए सर केपी और केसी में रिलेशन होता है, केपी इज इक्वल टू केसी RT raised to the power delta NG। सर ये फॉर्मूला तो अपना बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी KP और KC की साथ में बात करें तो अपने पास सिंपल केवल एक ये ही इक्वेशन है जिससे अपन KP और KC में साथ में रिलेशन बता सकते हैं। और यहाँ पे जैसा सर ने बताया रिएक्टेंट सारे गैस में है, प्रोडक्ट सारे गैस में है, इसका मतलब डेल्टा एनजी चेक करूं तो प्रोडक्ट के 1+1 2 मोल हो गए गैस के, रिएक्टेंट के 1+1 2 मोल हो गए, डेल्टा एनजी 0 होगा सर, इसका मतलब मुझे इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी 0 मिलेगा। किसी की भी फॉरवर्ड 0 लगाती है वो 1 हो गया, तो ये अगर 1 हो गया तो केपी बराबर होगा केसी कब, जब डेल्टा एनजी 0 हो। तो अगर किसी के दिमाग में ये आया भी है ना, जैसे मेरे दिमाग में आया कि KP ये है या फिर KC दे रखा है, इसने नॉर्मल बोला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो मैं कह रहा हूं कुछ भी होगा KP कंसीडर करो KC कंसीडर करो एक ही बात है, क्योंकि डेल्टा एनजी जब 0 होगा सर तो उस समय KP और KC बराबर होंगे। और ये चीज आज अपन को बहुत अच्छी पता लग गई कि डेल्टा एनजी 0 है तो KP और KC इक्वल है। साथ में अपन यहां पे दो केस और बात कर लेते हैं कि डेल्टा एनजी पॉजिटिव है तो KP ग्रेटर देन KC होगा सर, वो अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम में है, एक प्रॉब्लम अपन उसमें डिस्कस करेंगे आगे। अब अपन इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इक्वेशन अपन को दिया हुआ है, क्या इक्वेशन बोल रहा है, H2 plus CO2 चेंज इन टू H2O plus CO। यहां पे अपन को बोला है इफ 1 मोल ऑफ H2 एंड 1 मोल ऑफ CO2 आर प्लेस्ड इन 1 लीटर फ्लास्क, मतलब वॉल्यूम आज हमारे को दे रखा है 1 लीटर,
और H2 और CO2 के 1-1 मोल लेके रिएक्शन को स्टार्ट किया है और अपन को पूछा है कि फाइनल जब इक्विलिब्रियम मिल जाएगा तो CO की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। तो बेटा मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ इनिशियल मोल इसके 1 है, इसके 1 है, प्रोडक्ट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो हम 0-0 मान के चलेंगे। आज अपन यहाँ बात कर रहे हैं 1-x, क्योंकि 1 मोल के लिए x है तो इसके लिए भी 1-x आएगा सर, इधर x आएगा, यहाँ x, यहाँ x। बेटा पहले अपन ने बात की है x इज इक्वल टू a अल्फा होता है, सही बात है सर? सही है। आज a 1 मोल है, इनिशियल मोल a जो है वो हमको 1 मोल दिए हैं, तो x अल्फा बराबर होगा। तो अपन चाहे x मान के चले या अल्फा मान के चले एक ही बात होगी। वॉल्यूम हमारे को 1 लीटर दिया है तो आज अब अपन इसके लिए केसी का जो एक्सप्रेशन है वो रख के देखते हैं और x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फाइनली हमको कैलकुलेट क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO एट इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मींस अपन को जब CO की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर देखनी है वो x के इक्वल है तो मुझे यहां से केवल क्या सॉल्व करना है, x सॉल्व करना है। बिल्कुल सर। तो अब अपन x सॉल्व करते हैं एक बार इस पेज को, या तो इस साइड, हां ऊपर वाला देख लेते हैं अपन क्या आ रहा है। सर इसका अगर आप KC लिखोगे ना तो KC आएगा x into x upon 1-x into 1-x, KC की वैल्यू दे रखी है 1.8, ये x square upon 1-x का होल स्क्वायर बनेगा। सर स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, अब देखो सुनो बात को, अगर स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा ना, आप एक रफली आइडिया भी दिमाग में रखो, 1.69 होता ना तो उसका स्क्वायर रूट 1.3 आता, और 1.96 होता तो उसका स्क्वायर रूट 1.4 आता। सर इसका मतलब आप 13 और 14 वाला स्क्वायर रूट बता रहे हैं? बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा हूँ सर। तो इसका मतलब ये है कि ये 1.3 और 1.4 के बीच का आएगा। अब आपको यहाँ इसका स्क्वायर रूट एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको मिला है ना तो आप अपनी मन मर्जी से मान लो। मैं तो जैसे अभी कैलकुलेट कर लिया मैंने तो 1.34 आएगा, ठीक है। अगर आपने 1.34 की जगह 3.6 भी ले लोगे ना तो आंसर में कोई ज्यादा चेंज नहीं आने वाला है। घबराना नहीं है, 1.3 और 1.4 के बीच में आपको मन करे 1.34 मानो, 1.36 मानो, तो आंसर में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। सर एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे मेरे को एग्जाम में जो होता है वो 1 मिनट ही मिलता है, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ही निकालने बैठ जाऊंगा ना तो 1 मिनट तो वही चला जाएगा मेरा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 1.3 और 1.4 के बीच का जो भी डिजिट आपको अच्छा लगे वो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक समय यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बोली, उस चीज पे जरूर गौर रखिएगा कि जब भी ऐसा एक्सप्रेशन इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन में बने तो कोशिश कीजिएगा इसको ओपन नहीं करना है अपनी जल्दी जल्दी में। क्या होता है कि सर हम बचपन में पढ़ के आए a-b का होल स्क्वायर तो फटाफट से ओपन कर देंगे, बेटा वो ओपन करोगे तो दो रूट आएंगे प्लस और माइनस तो कॉम्प्लिकेसी बढ़ती जाएगी। तो बेटर है कि इसका स्क्वायर रूट ले लो जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा, सही बात है सर? बिल्कुल सर। ये हो गया x अपॉन 1-x और यहां से सर आप सॉल्व कर ले 1.34-1.34x is equal to x हो जाएगा तो 2.34x is equal to 1.34 हो जाएगा तो x बराबर 1.34 upon 2.34। मेरे अकॉर्डिंग सर ये 0.5 के आसपास बन रहा होगा कुछ ऐसा। सर एक बार अपन ये देख लेते हैं कि क्या होना चाहिए। बिल्कुल सर 0.5 के आसपास बनना चाहिए और ऑप्शन भी है। तो सर इसका मतलब मेरे ख्याल से और जो आप बता रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट होना चाहिए। तो बेटा ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, सर ने कैलकुलेशन का भी आपको यहाँ पे लॉजिक बताया कि कैलकुलेशन में आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, इस तरीके से अपन ने ये क्वेश्चन किया जिसका अपना आंसर क्या आया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आया है। चले आगे बेटा। बिल्कुल सर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, If for 2a2b change into 2a plus b2, ये 2a2 कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। Kp is equal to total pressure at equilibrium and starting the dissociation from 4 mole of a2b, then incorrect statement। बेटा ध्यान रखिएगा incorrect पूछा है, अपन जल्दी जल्दी में कि सर करेक्ट देखना है, पहला ही मिल गया आंसर तो पहले क्वेश्चन तसल्ली से पढ़ना जरूरी है, ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी है कि क्वेश्चन ही गलत करा दे। तो सर अब अपन इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे एक बार सर से सुनते हैं। बिल्कुल सर, इसमें अपन को ये दे रखा है केपी जो है ना वो सर अगर मैं इक्विलिब्रियम का प्रेशर अगर पी मान लेता हूं ना तो केपी जो है वो पी के बराबर है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास ही है और मैं टोटल प्रेशर अब पी मानने वाला हूँ क्योंकि मैंने बोल दिया कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे मैं प्रेशर पी मान रहा हूँ तो केपी पी के बराबर हो गया। सर सेकंड इन्फॉर्मेशन मेरे को जो दे रखी है ना वो 4 मोल से स्टार्ट किया हुआ है, मतलब सर स्मॉल ए की वैल्यू अपन को 4 दे रखी है, 4 मोल दे रखे सर। ओके ओके ठीक है। आगे सर मेरे को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स, ये सारे ऑप्शन चेक करने हैं तो मैं इसको सॉल्व ही करता हूं। नेक्स्ट पेज अपन देखे सर, ये दे रखा था 2 times a2b दे रखा था इक्विलिब्रियम पे और ये कन्वर्ट हो रहा था 2 times a2 plus b2। सही है सर। सर यहाँ पे अगर मैं मोल a 4 दिया, बिल्कुल सर t बराबर 0 टाइम पे अगर मैं 4 मोल ले लेता हूँ सर
बिल्कुल, तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो जीरो ले ले। बिल्कुल बिल्कुल। इक्विलिब्रियम जब भी आया सर, मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को इस बार सीधा अल्फा मान रहा हूं सर। बिल्कुल, है ना। अगर अल्फा मान रहा हूं तो मैं ऐसा लिख दूं सर, एक मोल में से अल्फा जाता है तो फोर मोल में से फोर अल्फा डिसोसिएट होना चाहिए। आपको कंफ्यूज नहीं होना सर, ने ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिया, एक्स इज इक्वल टू ए अल्फा, ए हमारे पास फोर है तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिए। यदि दिक्कत आ रही है तो आप इसको थोड़ा सा अलग से सेपरेट करोगे तो आप समझ जाएंगे। डायरेक्ट एक्स इज इक्वल टू ए अल्फा सर सही बात करें, एक्स इज इक्वल टू ए अल्फा में ए की वैल्यू पुट कर दिए तो ए की वैल्यू फोर हो गई तो फोर अल्फा आ गया सीधा माइनस करने वाला। सर सर यहाँ पे भी फोर अल्फा होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि स्टोइकोमेट्री के मोल दोनों के सेम है टू के लिए टू के लिए, और इसका जो आना चाहिए सर वो आना चाहिए टू अल्फा, क्योंकि स्टोइकोमेट्री मोल टू के लिए फोर अल्फा था तो वन के लिए आधा हो जाएगा टू अल्फा। बिल्कुल करेक्ट बात है। इक्विलिब्रियम का प्रेशर पी दे रखा है। अब देखें सर मैं इनको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, अगर के पी लिखना है तो एक तरीका मेरे पास ये भी है कि मैं डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट लिख दूं अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट लिख दूं इनटू प्रेशर की पावर, टोटल प्रेशर की बात कर रहा हूं सर, डेल्टा एम जी लिख दूं अपॉन यहाँ पे टोटल मोल्स की पावर भी डेल्टा एम जी लिख सकता हूँ सर। सर इसका मतलब अपन जो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट और पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट लिख रहे थे उसकी जगह सर ने डाल्टन्स का पार्शियल प्रेशर यूज कर लिया, जिसमें अपन पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन के। बिल्कुल सर, मैंने डायरेक्टली सारा बात हुई है सर, इसको सिंप्लीफाई कर दिया कि मोल है तो अपन चाहते हैं कि पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट नहीं करें, तो इसमें केपी की वैल्यू करें सर। बिल्कुल, केपी की वैल्यू आएगा प्रोडक्ट के मोल कितने हो गए सर, फोर अल्फा का स्क्वायर इनटू टू अल्फा अपॉन रिएक्टेंट की बारी आई तो फोर माइनस फोर अल्फा इसका क्या स्क्वायर सर। टोटल प्रेशर मैंने पी माना था, डेल्टा एनजी बताइए सर इसका वन होगा ना सर, डेल्टा एनजी टू प्लस वन प्रोडक्ट के थ्री मोल रिएक्टेंट के टू तो वन आ जाएगा, वन आ गया तो ये पी होगा। टोटल मोल हो गए सर फोर प्लस टू अल्फा और डेल्टा एनजी वन है तो यही रहेगा। बेटा एक चीज यहाँ याद रखिएगा, सर ने स्क्वायर क्यों लगाया कि जो अपने पास स्टोइकोमेट्री में जो दे रखा है कोफिशिएंट वो इनकी पावर बन जाता है, जैसा सर ने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था सर। क्या बिल्कुल सही सर, तो यहाँ पे टू है तो इसलिए स्क्वायर हुआ, यहाँ पे वन है तो एज इट इज रहा, यहाँ पे टू है तो स्क्वायर रहा है, ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा बेटा, है ना। केपी की वैल्यू सर पी है तो ये पी से पी तो कैंसिल हो गया। अच्छा ये अपन को क्वेश्चन में दिया था कि ये दे रखा था जो केपी है वो पी के इक्वल है, ठीक है। अब सर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, अब इस क्वेश्चन को देख के घबराने की जरूरत नहीं है, अपन जनरली जैसा बोलते हैं ना कि मैथ आ गई, अब यहाँ पे ऐसा मैथ वगैरह का कुछ वर्ड आया नहीं, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे ना तो सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा सर। मेरे हिसाब से यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल 4 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो 4 के स्क्वायर से 4 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर और ये 2 यहाँ से भी कॉमन ले लूं क्या सर? हां सर, सर एक एक स्टेप करके नहीं तो बच्चे घबरा जाएंगे कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड। चलो चलो सर, ये मेरे हिसाब से ये हो गया 1 अल्फा का स्क्वायर, मैं इसको इधर भेज रहा हूँ सर। बेटा इसको अपन वहां पे ले गए और प्लस टू अल्फा और इधर बन गया सर 2 अल्फा क्यूब। बिल्कुल, देखो बेटा ये जो 4 था वो इस 4 से कैंसिल आउट हो गया है कॉमन आके। बिल्कुल सही बात है सर। बिल्कुल बेटा, यहाँ पे जो अल्फा स्क्वायर था वो इस अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो अल्फा क्यूब हो गया और 2 अपने पास एज इट इज है। ये 4 से ये 4 गया है, इसको अपन वहां लेके गए, बाकी सब सिंपल फॉर्म में लिखा। अब सर यहाँ से 2 भी कॉमन ले लेता हूँ एक बार, 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर ये 2 प्लस अल्फा और इधर बच गया अल्फा का क्यूब, मतलब जो आपने 2 कॉमन लिखा था उस 2 से ये 2 कैंसिल आउट कर दिया। बिल्कुल सर, ओके ओके। अब सर मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करता हूँ ना तो अब ऐसा लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे अल्फा की पावर 3 बनेगी उस, और इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे पावर 3 आएगा, तो आप इस इक्वेशन को ओपन कर ले, ओपन करते ही आपको मालूम चल जाएगा अल्फा की पावर 3 से अल्फा की पावर 3 कैंसिल आउट, मतलब सर ये दिखने में हार्ड है, इसको ओपन करेंगे तो ये क्यूब की पावर कैंसिल हो जाएगी। बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए ये कैसे हो रहा है, लगाओ सर। तो अपन अब इसको बेटा एक बार सॉल्व करके देखें तो देखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो ये आ गया अपने पास। फिर 2 प्लस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा क्यूब। अब अपन मैं इसको ओपन करूं तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सर, आप पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर अल्फा से कर देते हैं और फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का तरीका अलग अलग हो सकता है लेकिन सॉल्व करते टाइम मल्टीप्लीकेशन का स्पेशली ध्यान रखें, वो गलत नहीं होना चाहिए। तो यहां से अपन थोड़ा सा देखें इसको, तो 2 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा, ये तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, साथ में अपन देखें प्लस अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा क्यूब। सही बात है सर,
सही है सर। तो यहाँ से अपने बेटा देखा अल्फा क्यूब से अल्फा क्यूब चला गया है अपने पास, 2 अल्फा स्क्वायर से 2 अल्फा स्क्वायर भी जाएगा सर, 2 अल्फा स्क्वायर से 2 अल्फा स्क्वायर चला गया है अपने पास। इसको अब अपन सॉल्व करें तो सर सॉल्व करने पे क्या आएगा, 3 अल्फा बराबर आएगा 2 बेटा, ये माइनस 4 अल्फा प्लस बराबर आ गया 2/3। बिल्कुल सर, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गई सर, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 2/3 आ गया। तो अब अपन को एक बार पहले ऑप्शन सर एक मिनट और एक ऑप्शन के लिए अपन को टोटल मोल्स भी रख लेता हूं सर एक बार। हां यदि काम आ रहा है तो मोल्स जो है ना सर वो आ रहा है 4+2 अल्फा। सर ये टोटल मोल अपन ने इक्विलिब्रियम वाले निकाला, इक्विलिब्रियम के पूछे बेटा, जब टोटल मोल अपन ने चेक किया तो ये 4 अल्फा से ये 4 अल्फा कैंसिल आउट होगा तो अपन को मिलेगा क्या, 4+2 अल्फा। अल्फा की वैल्यू रख दो सर एक बार, बिल्कुल, तो 4+2 × 2/3 तो ये हो जाएगा सर 16/3 टोटल मोल्स। बिल्कुल सही, ये दो ऑप्शन हो गए सर। तो अपने को दो चीजें पता लग गई, एक तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा इज इक्वल टू 2/3 and if we talk about total mole that will be 16/3। अब अपन बेटा options पे बात करते हैं, option क्या बोलते हैं, सही बात है सर, option check करें तो सर option में देखिए पहला दे रखा है degree of dissociation 2/3 होगी, बिल्कुल सही है, और अपन से पूछा है incorrect पूछा है, ये तो correct है, पहले ध्यान रखिएगा incorrect पूछा है, ये गलती कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन ही आपने अगर 2/3 कैलकुलेट किया और आपको लगा अरे 2/3 तो दे रखा है तो जल्दबाजी नहीं करें, इनकरेक्ट पूछा है तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है, मतलब आंसर नहीं होगा, फर्स्ट नहीं होगा, हमसे असत्य कथन पूछा है तो फर्स्ट उठा दीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये पूछा है, सेकंड ऑप्शन ये दे रखा है टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम will be 16/3, सर 16/3 आया है तो मतलब सेकंड भी नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा। आगे देखें सर, आगे बोला है एट इक्विलिब्रियम द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए टू बी आर इक्वल द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी टू। सर ए टू बी के मोल देखो ये पड़े सर 4-4 अल्फा, बिल्कुल सही, तो ए टू बी के मोल्स जो है सर वो हो गए 4-4 अल्फा, तो ये लो 4-4 अल्फा, अल्फा की वैल्यू 2/3 सर, बिल्कुल सही बात है सर, ये सर हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है सर। जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो अपने पास ए टू बी के मोल आ जाएंगे 4/3, और उसमें पूछा गया बी टू के मोल्स, तो बी टू के मोल्स है सर 2 अल्फा के बराबर, तो 2 अल्फा का मतलब ये भी 4/3 हो गया, तो इसका मतलब थर्ड भी सही हुआ, थर्ड भी सही है, इसका मतलब अपन को असत्य पूछा इनकरेक्ट पूछा ये भी नहीं होगा, तो मतलब आंसर तो 4 हो जाएगा सर। अब लेकिन चेक कर लेते एक बार, ए टू बी के मोल तो मेरे को 4/3 मालूम चल गए, ए टू के मोल चेक करने हैं, ए टू के मोल है सर 4 अल्फा, तो 4 अल्फा है तो अल्फा की वैल्यू मैं पुट कर दूं 2/3 तो ये हो गया 8/3। ओके सर, और ये देखे आप मोल बराबर नहीं आ रहे, इसके मोल 4/3 है, इसके मोल 8/3 है, इसने पूछा है कि मोल बराबर होंगे नहीं होंगे, मतलब ए टू बी और ए टू के मोल इक्वल नहीं होंगे, इसका मतलब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और हमसे इनकरेक्ट पूछा है, तो इसका मतलब सर अपना आंसर क्या हो जाना, आंसर 4 हो जाएगा, आंसर 4 हो जाना चाहिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं एक बात मानता हूँ, इस पूरे अगर अपने अभी तक 7 क्वेश्चन डिस्कस किए सबसे अच्छा क्वेश्चन ये अभी तक का, क्योंकि इसने आपको काफी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया, एक एक क्वेश्चन का पूरा ऑप्शन को क्लियर करवाया कि ऑप्शन क्या चीज बोल रहा है। चले सर आगे, बिल्कुल सर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सर नेक्स्ट प्रॉब्लम ये दे रखी है कि N2 और H2 को जो है ना मास रेशियो 7:1 में दे रखा है, N2 एंड H2 आर टेकन इन ए वेसल इन ए मास रेशियो ऑफ 7:1, द ओनली रिएक्शन N2+2H2 गिव्स N2H4, प्रेशर ड्यू टू N2H4 एट इक्विलिब्रियम इज 0.2 टाइम्स ऑफ टोटल प्रेशर पी देन एट इक्विलिब्रियम। सर मेरे को क्वेश्चन इतना समझ में आ रहा है कि N2 और H2 जब रिएक्शन कर सकते हैं तो हो सकता है अमोनिया भी बन जाए, लेकिन इन्होंने बोला है कि ओनली रिएक्शन यही हो रही है, इसका मतलब बनाना तो आप उनको N2 और H4 ही है, ठीक है, हाइड्रोजन बनाना है ओवरऑल तो बात ये हुई, तो N2+2H2 रिएक्शन आपको यही करवानी है 2 टाइम्स, नहीं सर N2H4 N2H4 बन जाएगा हाइड्रोजन, सही, बिल्कुल सही बात है सर। अब अपन को दे रखा मास रेशियो 7:1 है सर, अपन को मास नहीं चाहिए होता सर, अल्टीमेटली अपन को चाहिए या तो मोल या फिर चाहिए कंसंट्रेशन, मोल आएगा तो सर कंसंट्रेशन भी आ जाएगी, तो सर मोल का फॉर्मूला मैं ये बोल दूं, मोल इज इक्वल टू ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वहां से अपन मोल का रेशियो चेक कर ले, बिल्कुल सर, अपन को बेटा मास का रेशियो दिया है 7:1, तो बेटा मैं N2 के मोल की बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा N2 के लिए, N2 का मोल हो जाएगा अपने पास ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना हो जाएगा 28। ऐसे H2 के लिए बात करूं ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इधर मॉलिक्यूलर वेट क्या जाएगा 2 आ जाएगा सर, इसका मैं W1 एक काम करो 7 ले लो सर, उसको W को H2 वाले मैं ले लेता हूं 7, हां और इसको ले लेता हूं 1, 7:1 रह जाएगा सर, तो यहां पे तो बेटा ये आ गया अपने पास 0.25
यहाँ पे आ गया 0.5, सही बात है सर। ओवरऑल सर ये है कि आप रेशियो में बात कर रहे हो ना, आप रेशियो में बात कर रहे हो तो ऐसा बोल सकते हो क्या कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 का जो रेशियो रहना चाहिए वो 1:2 रहे। बिल्कुल सर, क्योंकि 0.25 से 0.5 हटाओगे तो 1:2। इसका मतलब तो ये है सर, मैं कुछ भी मानूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब ये अपन को जो सर इन्फॉर्मेशन दी है वो इन्फॉर्मेशन केवल मोल्स कैलकुलेट करने के लिए दी है, क्योंकि क्वेश्चन को प्रोसीड अपन किससे करते हैं, मोल से करते हैं। तो इसका मतलब तो ये हो गया सर, इसके मोल का रेशियो 1:2 हो गया। बिल्कुल, इसका मतलब ये जो ये बोल रहा था इनडायरेक्टली अपन को 1:2 के लिए कैलकुलेट करवा रहा था। तो इसका मतलब सर मैं इसको 1 और 2 से स्टार्ट कर दूं रिएक्शन को, जब मानना ही है तो सिंपलीफाई माने ना। हाँ। 1 और 2 मान लिया, अब अपन को बोल रहा है सर प्रेशर, तो एक काम करते हैं इक्विलिब्रियम लेके आते हैं सर। इक्विलिब्रियम लेके आए तो सर अल्फा में लिख दूं क्या, 1 माइनस अल्फा? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे अपन इनिशियल मोल जो बांध के चल रहे हैं वो इधर 2 माइनस 2 अल्फा। बिल्कुल सही है सर, 2 माइनस 2 अल्फा और इधर आ जाएगा अल्फा। बिल्कुल करेक्ट बात है सर। अब अपन से ये पूछा गया है, अपन को ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ N2H4 जो आएगा, बिल्कुल ये होना चाहिए टोटल प्रेशर P का 0.2 टाइम्स होना चाहिए। ये देखो ये अपन को बेटा ये यहाँ पे बोला है कि प्रेशर ड्यू टू N2H4 एट इक्विलिब्रियम इज 0.2 टाइम्स ऑफ टोटल प्रेशर, जो सर ने लिखा है ये चीज। तो इसका मतलब ये हो गया सर, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2H4 अपॉन टोटल प्रेशर P टोटल माना मैंने जिसको, ये 0.2 के बराबर होना चाहिए। सर इसको देख के मेरे को एक चीज डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ याद आ रहा है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मींस अपन यहां से बोल सकते हैं N2H4 का जो मोल फ्रैक्शन है वो 0.2 होगा। सही बात है क्या सर, N2H4 का मोल फ्रैक्शन 0.2 आएगा। तो N2H4 का मोल फ्रैक्शन बात करें तो यहां पे मोल फ्रैक्शन होता है खुद के मोल, सेल्फ मोल अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल बेटा यहां से अपन देखें तो 3 माइनस 2 अल्फा आएगा क्या सर? बिल्कुल सर, 3 माइनस 2 अल्फा आएगा, यहां से 0.2 के बराबर कर देंगे। ये जो मोल फ्रैक्शन आया N2H4 वो 0.2 के इक्वल है, तो सर यहां से मैं ये चीज लिख सकता हूं क्या? अब इससे यहां से सर अल्फा कैलकुलेट करो। सर यहां से अपन अल्फा कैलकुलेट करें एक बार, तो सर इधर से अल्फा कैलकुलेट करते हैं सर, ये आएगा अल्फा इज इक्वल टू 0.6 माइनस 0.4 अल्फा। तो ये आ जाएगा सर 1.4 अल्फा इज इक्वल टू 0.6, तो अल्फा इज इक्वल टू 3/7 आ जाएगा सर। बिल्कुल सर, तो मतलब यहां से अपन को अल्फा की वैल्यू पता लग गई है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा। बेटा इसके लिए आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये अपन को पार्शियल प्रेशर वाला याद रहा तभी अपन ये सारी चीजें कैलकुलेट की है। ये मैंने कौन सा फॉर्मूला बोला, डाल्टन्स पार्शियल लॉ प्रेशर। क्या बोलता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ किसी भी चीज की जो बात कर रहे हैं इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन की बात करें तो खुद के मोल अपॉन टोटल मोल, दैट इज द मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। याद आया होगा जो अपन ने मोल में पढ़ा था। देखते हैं सर आगे इसको। अब ऑप्शन चेक करें सर, तो अपने पास अपने अल्फा कैलकुलेट कर लिया है। बिल्कुल सर, अब अपने पास ऑप्शन ये दे रखे है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना होगा, 2P/15। सर इसका मतलब अपन यदि पहले ही आप पार्शियल प्रेशर N2 और H2 का निकाल के रख लो तो काम हो जाएगा, क्योंकि सभी जगह इससे रिलेटेड। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर एक बार पहले अपन इसका पार्शियल प्रेशर ही निकाल लेते हैं। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अगर N2 कैलकुलेट करना है ना सर आपको, तो ये होगा टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, मतलब वही फॉर्मूला लगाना जो अपन बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब 1 माइनस अल्फा अपॉन टोटल मोल है सर 3 माइनस 2 अल्फा। तो ये तो टोटल प्रेशर हो गया और ये मोल फ्रैक्शन हो गया N2 का। अल्फा की वैल्यू पुट करें सर, अल्फा की वैल्यू अपन बात करें तो अल्फा की वैल्यू अपन लेके आए 3/7, तो यहां से अपन बात करें ये तो पी रह जाएगा। यहां पे देखें 1 माइनस 3/7 अपॉन 3 माइनस 2 अल्फा है, तो 2 3 6/7। इसको बेटा थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये तो पी आ जाएगा, 7 माइनस 3 आएगा, अपन ने एलसीएम लिया तो 4/7। सही बात है सर। बिल्कुल सर, यहाँ से बात किया अपन ने तो ये 21 हो जाएगा, 15/7 सर। 15, तो सर मैं यहाँ से ये बात करूँ 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 जो आएगा ना सर वो 4P/15/3P। बिल्कुल सही बात है सर, ऐसा ऑप्शन नहीं दे रखा था शायद तक सर। सर ऐसा नहीं दे रखा है, बिल्कुल सही बात है सर। N2 का हमारे को पार्शियल प्रेशर 2P/50 दे रखा है, जबकि 4P/50। तो अपन से करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, बिल्कुल सर करेक्ट पूछ रहा है, तो ये तो नहीं होगा फर्स्ट ऑप्शन, तो अपना बेटा नहीं होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके देखो सर, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अगर मैं कैलकुलेट करूं इधर साइड में तो वो ये आएगा सर 2 माइनस 2 अल्फा इसके मूल हो गए अपॉन टोटल मोल 3 माइनस 2 अल्फा इनटू होना चाहिए पी। सर मतलब वही फॉर्मूला फिर से लगा दिया, बिल्कुल सर, फ्रैक्शन इनटू टोटल। डाल्टन का पार्शियल प्रेशर लग रहा है सर,
टू माइनस टू एल्फा, टू एल्फा को मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ सिक्स बाई सेवन, बिल्कुल सही बात है। इधर भी थ्री माइनस सिक्स बाई सेवन लिख देता हूँ, टी लिख देता हूँ, इधर हो जाएगा सर ये मेरे हिसाब से ऊपर बन रहा है एट अपॉन सेवन, और इधर बनेगा ट्वेंटी वन में से फिफ्टीन बनेगा सर, ये बन गया। ये भी नहीं दे रखा है सर, ये बेटा आप एक बार खुद सॉल्व करके देख ले, आपको हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा 8 अपॉन 15 पी, जो अपन को नहीं दे रखा है हमको यहाँ पे 25 दे रखा है। 25 तो मतलब सर, ये देखे सर पार्शियल प्रेशर ऑफ एन टू दे रखा है 4/15 और एच टू का दे रखा है 8/15, इसका मतलब सर डबल है एच टू का प्रेशर। इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं टू पार्ट मतलब पार्शियल प्रेशर एन टू को टू टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो एच टू के इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल। तो सर ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन आएगा बिल्कुल, और फोर्थ ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि वो इसका रिवर्स बोल रहा है, बिल्कुल। तो ये भी एक अपना अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ आपको मोल्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी पड़ेगी, मास का रेशियो दे रखा है मोल, मोल अब आपको जब रेशियो मालूम चल जाए ना कि ये मोल का जो रेशियो रहना था वो 1:2, तो फिर आप किसी भी अकॉर्डिंग रिएक्शन को ले जाओ, 1 मोल लो, 2 मोल लो, 2 4 ले लो, 3 6 ले लो, कैसे भी ले सकते हो सर। तो सर इसका मतलब इसमें अपन को डाल्टन्स पार्शियल लॉ पढ़ना होगा जरूरी, नहीं तो दिक्कत हो सकती है, ये अपन ने पहले करवा दिया सर। ओके सर, तो अब अपन सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को बोलता है SO2Cl2 एंड Cl2 आर इंट्रोड्यूस इनटू अ 3 लीटर वेसल एट 1 atm एंड 2 atm रेस्पेक्टिवली, द केपी वैल्यू फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन ये दे रखी है इज 2.5, देन टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम वुड बी। ओके सर, केपी की वैल्यू दे रखी है अपन को, बिल्कुल, और अपन को SO2Cl2 का प्रेशर दे रखा है 1, बिल्कुल स्टार्टिंग में। ये रिएक्शन से अपन ऐसा करते हैं सर कि जब मेरे को नहीं दे रखा होता तो मैं 0-0 ले रहा था, लेकिन इस बार इंफॉर्मेशन दे रखी कि Cl2 का भी प्रेशर है, इसका नहीं दिया तो 0 मान लूं सर, हाँ। और इसका 2 मान लूं, इसका मतलब अपन को बेटा यहाँ पे SO2 का नहीं दिया था इसलिए 0 माना है, इन दोनों का दे रखा है तो हम कंसीडर करके चल रहे हैं SO2Cl2 का 1 मान के चल रहे हैं और Cl2 का 2 मान के चल रहे हैं। सेकंड थिंग, आज एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ आज हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, मोल की बात नहीं कर रहे हैं। मैं प्रेशर में इसलिए लिख रहा हूँ सर डायरेक्टली, मेरे को केपी कैलकुलेट करना है, तो डायरेक्ट कैलकुलेशन लंबी नहीं होगी, डायरेक्ट वहीं से चीजें सॉर्ट आउट होंगी। अब सर मैं ऐसा मान लू इक्विलिब्रियम आएगा तो ये 1 - α हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है सर, तो इधर अल्फा बनेगा, बिल्कुल, इधर 2+α बनेगा सर, बिल्कुल सही बात है सर, सही बात है ना सर। अब इसका केपी दे रखा है तो ये तो प्रेशर ही तो है सर, सर इसको अल्फा की जगह अपन स्मॉल पी से मान ले तो थोड़ा सा इस चीजें इजीली सॉर्ट आउट हो जाएंगी, बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे क्या चीज है। चलो इसको सर ऐसे लिख देते हैं, हाँ, प्रेशर के टर्म्स में 1 - p लिख देते हैं सर, हाँ, तो इसको भी p लिखे, इसको भी 2+p लिखे। ये यहाँ पे बच्चों देखो सर ने बहुत अच्छी चीज बता दी आपको कि पहले 2 मोल थे, 2 प्रेशर था, अब बाद में p हुआ है तो उसमें जाके ऐड होगा, जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा तो प्रेशर नया डेवलप ही होगा सर, 2+p होगा। अब सर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दो, आप केपी दे रखा है 2.5, बिल्कुल, तो केपी इज ए पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2Cl2 हो जाएगा सर, बिल्कुल। तो अब यदि मैं इसको यदि सॉल्व करके देखूं तो केपी के लिए अपन को बोल रहा है 2.5 दे रखा सर, केपी अपन को दे रखा है बेटा 2.5, तो मैं इसको थोड़ा सा यदि सॉल्व करके चेक करूं तो केपी दिया है 2.5, इधर यदि अपन इसको सॉल्व करके देखें, एक सेकंड बेटा, केपी दिया बेटा आपको 2.5, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 की बात करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 अपने पास आया है पी, Cl2 की बात करें वो आया है 2+p और SO2Cl2 की बात करें तो वो अपने पास आया है 1 - p। सर यही बात है, अपन को यही वैल्यूज पुट करनी थी। अब इस वैल्यूज को जो पुट किया है इसको सर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर ले, बिल्कुल सर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक बार सॉल्व, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी सर आप करें तो, इसको अपन यदि क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ा सा इधर देख ले तो अपन को मिलेगा ये 2p+p² / 1 - p। मैं इस 1 - p को 2.5 से क्रॉस मल्टीप्लाई करवा रहा हूं तो अपने पास मिलेगा 2.5 - 2.5p = 2p + p². सही बात है क्या सर, बिल्कुल सर। इसको बेटा थोड़ा सा यदि अपन सॉल्व करें तो पी स्क्वायर ये 2.5p उधर जाके ऐड होगा तो ये हो जाएगा आपका 4.5p और ये अपने पास इधर आ जाएगा -2.5 = 0। सही बात है क्या सर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है सर, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा तो इसके लिए अपन सर वो श्रीधर आचार्य करके फॉर्मूला लगा दो, सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आएगा इसके रूट। हाँ सर, नेक्स्ट, हाँ देखिए यहाँ से अगर p कैलकुलेट करोगे ना तो p बराबर माइनस का b, बेटा ये इक्वेशन तो मालूम है ना, ax² + bx + c = 0 है ना, इसके अगर रूट कैलकुलेट करना है तो x - b + √b² - 4ac / 2a होता है,
ये श्रीधर आचार्य मेथड करके बोलते थे यदि याद आ रहा हो, है ना। तो यहाँ से सर ए की वैल्यू तो 1 है, बिल्कुल सही बात है। बी की वैल्यू 4.5 है सर, प्लस का 4.5 है बच्चा, इस चीज का ध्यान। सी की वैल्यू सर माइनस में 2.5 है, बिल्कुल करेक्ट है ना। इससे कंपेयर कर लिया इसको अपन, तो ये हो गया माइनस का 4.5 प्लस माइनस लेना है बी स्क्वायर, 4.5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू माइनस में 2.5 है सर, ओके ओके, अपॉन 2a, ए की वैल्यू 1 है तो 2 × 1 हो जाएगा, माइनस का 4.5 सर, प्रेशर माइनस में तो नहीं आएगा, बिल्कुल माइनस में नहीं आएगा, तो मैं पहले से एक चीज लेके चलूं, यहां प्लस ही लेना है, ये हो गया 4.5 का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, और ये हो गया 2। अगर इसको सोल्व करोगे सर तो पी बराबर जो आएगा माइनस का 4.5, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो बनेगा 5.5, बिल्कुल सही बात है सर, सॉल्व करने के बाद इसका 5.5 ये 30.5 बनेगा सर, एग्जैक्ट 30.5 बनेगा, 30.5 का स्क्वायर रूट 5.5 आएगा, ये हो गया 0.5 आ गया। अगर ये 0.5 आ गया तो मेरे से तो ये पूछा था सिंपल सा कि टोटल प्रेशर कितना होगा, तो टोटल प्रेशर जो होना चाहिए वो होगा 3 प्लस पी, और पी की वैल्यू है 0.5, तो ये हो जाएगा 3.5 एटीएम। सर इसका मतलब टोटल प्रेशर अपन ने इनको ही तो ऐड किया है, बिल्कुल सर इनको ऐड किया, तो बेटा ध्यान रखें पी से पी कैंसिल आउट हो गया, तो टोटल प्रेशर बचा 1 और 2, 3, 3 प्लस पी, की वैल्यू अपन निकाल के आया 0.5, तो 3 प्लस 0.5 3.5 आ गया। अब सर ऑप्शंस को देख लेते हैं, ऑप्शन क्या बोलते हैं, तो सर डायरेक्टली अपन को थर्ड ऑप्शन मिल रहा है 3.5 एटीएम, इसका मतलब अपना आंसर सर थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। सही, देखो सर मैं एक आपको एक बात बता रहा हूं, यहां पे ऑप्शन भी दे रखे हैं अपन को, ऑप्शन दे रखे, तो देखो मैं एक बात ऐसा बोलूं क्या कि इसका प्रेशर जो था वो स्टार्टिंग में 1 था। बेटा ये थोड़ा ध्यान से देखो सर, इसका शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, इसका 1 था, सॉल्व की इसका प्रेशर नहीं दे रखा था, 0 था, इसका 2 दे रखा था। अब सर जैसे देखो, अगर ये एक का एक प्रेशर पूरा का पूरा टूट जाए, बिल्कुल सही बात है ना सर, अगर ये पूरा का पूरा टूट जाता एक का एक, मतलब अपन मान रहे हैं 100% डिसोसिएशन, तो इधर 1 बनता और इधर भी 1 बनता सर, बिल्कुल करेक्ट बात है, यही तो बात होती, अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, यही तो बात होती, अगर ये 100% टूट जाता तब भी मैक्सिमम प्रेशर इधर 1 बनता, इधर 2+1 बन जाता, इधर 0 हो जाता 1-1, बिल्कुल सही बात है। तो इसका सर मतलब मैक्सिमम प्रेशर 4 से ज्यादा तो कभी आएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा सर, सही बात है, 4 से ज्यादा नहीं आएगा, तो सर ये 7 और ये जो दे रखे ना 6.5, अच्छा ये दो ऑप्शन डायरेक्टली कैंसिल कर दिया अपन, है ना सर। रिएक्शन रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट या फिर ऐसा बोलूं रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैंने ऐसा कर दिया तो रिएक्शन कंप्लीट हो गई, इसका मतलब ऐसा हो नहीं सकता है, ये तो अपने मैक्सिमम वाला केस मान लिया, कि वो भी गया तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, तो मेरे को ये भी नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब 3 से तो ज्यादा आएगा। अगर सर मैं यहाँ से कुछ भी अगर अल्फा भी तोड़ दू, एक्स भी तोड़ दू, कुछ भी तोड़ूंगा तो यहाँ पे कुछ बनेगा ही बनेगा सर, 1+α, इसका मतलब 3 से ज्यादा आएगा, अपन डायरेक्टली सर ऐसा बोलूं तो मैं 3+x बनेगा सर, मैक्सिमम 4 बन सकता है और इसकी वैल्यू 3+x आएगी, मतलब 3 से तो ज्यादा आएगा लेकिन 4 से कम आना चाहिए या मैक्सिमम 4 आएगा, मैं कहूं कि 3 हो नहीं सकता, बिल्कुल, तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन बनेगा, अच्छा थर्ड होगा सर। तो बेटा ये याद रखें, हमने आपको लेंथी मेथड और शॉर्ट ट्रिक दोनों बता दी, तो शॉर्ट ट्रिक इसलिए बताइए बेटा क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे अपन को डाले जाते हैं लॉजिकल, जिनमें आपको कैलकुलेशन में जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, आंसर आएगा लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा, पेपर में अपने पास इतना टाइम नहीं होता है, इसलिए कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको लॉजिकली देखने होते हैं कि क्या बोल रहा है। मैं आपको अल्टीमेटली ये कहना चाह रहा हूं सर कि आपको ऑप्शन के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, पहली नजर होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। चलो तो सर ने अपन को बोला पहली नजर ध्यान में रखते हुए अपन ये लेंगे, सर आप कह रहे थे ना उस समय की डेल्टा एन जी के दो केस और की बात कर लो, इसका मतलब तो केपी यही वाली इक्वेशन की बात कर ले कि जब केपी और केसी की साथ बात करें तो मैं बोल सकता हूँ केपी इज इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एन जी, सही बात है सर, बिल्कुल। इसके 3 केसेस की मैं यदि बात कर लू, केस 1, केस 2 और केस 3, तो केस 1 बोलता है यदि डेल्टा एन जी आपका 0 है, डेल्टा एन जी 0 है तो इस केस में अपना केपी और केसी इक्वल हो जाएगा, सही बात है सर, बिल्कुल सही है सर। केस 2 बोलता है इसमें हैंड टू हैंड आप ये देखिए सेकंड और फोर्थ ऑप्शन देख ले सर, एग्जांपल के लिए सेकंड ऑप्शन में देखिए सर, बिल्कुल यहाँ पे देखिएगा बेटा, एक तो अपन को नहीं दिया है तो अपन गैस मान के चल रहे हैं, ये चीज जान रखिए, बिल्कुल सर। डेल्टा एन जी इसके लिए मैं चेक करूं तो इसमें देखिएगा प्रोडक्ट के गैस मोल कितने हैं, 1+1
रिएक्टेंट के गैस मोल कितने हैं? 2, तो मतलब इसका डेल्टा एनजी 0 आ गया। तो इसका मतलब सर इसका केपी और केसी बराबर होना चाहिए फिर इसका। बिल्कुल सही बात है। तो सेकंड ऑप्शन में अपना केपी और केसी बराबर होगा, और सर ऐसा ही फोर्थ में भी बोल सकते हैं। बिल्कुल ऐसा फोर्थ में भी, क्योंकि फोर्थ में भी अपन ने ये देखा कि डेल्टा एनजी फोर्थ के लिए भी 0 आ रहा है, इसका मतलब यहां भी मैं बोल सकता हूं कि जो केपी और केसी आएगा वो बराबर आएगा। बिल्कुल आएगा। ये बोल रहा है केपी लेस देन केसी, इसका मतलब सेकंड और फोर्थ तो नहीं होगा। बिल्कुल सर। अब अपन डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 बात करें, ये 0 से बड़ा जाता है, पॉजिटिव होता है, तो अपन बोल सकते हैं केपी ग्रेटर देन केसी। और थर्ड केस की बात करूं डेल्टा एनजी लेस देन 0, उस केस में मैं बोल सकता हूं केपी लेस देन केसी। सही बात है क्या सर? बिल्कुल सर। तो मेरे को चाहिए केपी लेस देन केसी, इसका मतलब डेल्टा एनजी लेस देन 0 होना चाहिए सर। यहां पे डेल्टा एनजी बनेगा सर प्रोडक्ट के मोल है 2 रिएक्टेंट के, 1 या तो पॉजिटिव आ गया ग्रेटर देन 0। बिल्कुल सही बात है सर। इसका मतलब या तो केपी इज ग्रेटर देन केसी आएगा। बिल्कुल सही बात है सर। यहां पे डेल्टा एनजी की बात करूं तो ये आएगा 2 - 2 + 1, इसका मतलब -1, इसका मतलब KP is less than आएगा सर KC। इसका मतलब बेटा ये क्वेश्चन आप बात करो तो ये क्वेश्चन इस इक्वेशन का ना पूछ के एक्चुअली में ये क्वेश्चन डेल्टा एनजी पे बेस्ड है। बिल्कुल सर। यदि डेल्टा एनजी का लॉजिक आपको क्लियर है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। बेटा देखने में ये क्वेश्चन इजी लग रहा है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा डेल्टा एनजी से रिलेटेड, इस पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ नहीं है सर, आता भी है एग्जाम में, आया हुआ भी है, सबसे बड़ी बात है ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि आप अगर ये आज अपन जितने भी 20-21 क्वेश्चन करेंगे, इससे एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के, वो तो हो जाएंगे आप। मतलब अपन ने जो क्वेश्चंस लिए हैं उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम की पूरी थ्योरी अपन लगाएंगे। बिल्कुल सर, एग्जाम ओरिएंटेड। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। बिल्कुल सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अपन को बोलता है NH4HS चेंज इनटू NH3 + H2S। बेटा ध्यान रखने की बात है यहाँ पे जो ये जो NH4HS है वो सॉलिड है, हेटेरोजेनियस है सर कुल मिलाके। हाँ जी। इन अ क्लोज्ड फ्लास्क द इक्विलिब्रियम प्रेशर इज PATM द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। सर इसका मतलब मैं यदि यहाँ पे बात करूं तो ये गिब्स एनर्जी इक्वेशन से मुझे पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आरटी लॉग क्यू होता है। सही बात है सर? बिल्कुल सही है सर। यहाँ पे बेटा जब अपन एट इक्विलिब्रियम के केस की बात करते हैं तो एक चीज याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 हो जाता है और जो आपका क्यू होता है वो के इक्विलिब्रियम में चेंज हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। ऐसा बोल सकते हैं अपन। बिल्कुल सही। इसका मतलब इस इक्वेशन को यदि मैं चेक करूं इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग तो डेल्टा जी आपका 0 हो गया है, और मैं ये बोल सकता हूं डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log KP या KC, जिसकी भी अपन से ये बात कर रहा है वो अपन लेके चलेंगे। बेटा एक चीज याद रखिएगा, यदि आपने log बेस 10 पे माना जब तो 2.303 लगेगा, और यदि बेस E पे आप मान के चलोगे, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, नेचुरल log दे रखा सर। बिल्कुल। तो अपन ये बोल सकते हैं डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -RT ln KP। सर बोल सकता हूँ क्या मैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब अब अपना जो पूरा खेल है, पूरा क्वेश्चन है, वो केपी पे डिपेंड कर रहा है, केपी कैलकुलेट करना है। बिल्कुल। तो सर एक बार अपन नेक्स्ट पेज पे बात कर लेते हैं। केपी कैलकुलेट करने की बात करूं सर तो ये दे रखा है NH4HS सॉलिड दे रखा था और ये कन्वर्ट हुआ था NH3 गैस प्लस H2S में। बिल्कुल सही बात है सर। सर एक बात बताऊ, अगर मैंने स्टार्टिंग में ये सॉलिड है तो इसका प्रेशर तो कभी होगा ही। ये अपन ने सर प्रीवियस क्वेश्चन में बात की थी, इसका प्रेशर कभी होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब इसने बोला कि देखो सर इसके और इसके मोल बराबर, अगर मोल बराबर है तो इनके प्रेशर भी बराबर डेवलप होगा। मोल और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बिल्कुल। गैस इक्वेशन में P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होगा। बिल्कुल सही बात है। अगर मोल बराबर है तो प्रेशर भी इनके बराबर डेवलप होने चाहिए। टोटल प्रेशर दे रखा है अपन को P, तो इसका मतलब P/2 ये होगा, P/2 ये होगा। बिल्कुल सही बात है सर। बिल्कुल। अगर ये होगा तो KP जो होगा वो ऐसे ही लिखा जाना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, और इसका एक्टिव मास तो 1 है। इसका मतलब ये ध्यान रखना है KP के एक्सप्रेशन में ये नहीं लेंगे क्योंकि ये सॉलिड है, तो 1 ले लेंगे। बिल्कुल। तो KP अपना पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 और H2S का मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू पुट करूं मैं P/2 P/2, तो ये P²/4 बन जाएगा। तो मतलब सर इसका मतलब अपन टोटल यदि इसको P/2 का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हो सर, P/2 का होल स्क्वायर बोल सकते हो, क्योंकि ऑप्शन ऐसे ही सेट है। तो सर इसकी वैल्यू को मैं यदि यहाँ पे पुट कर दूं तो बेटा एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -RT ln P/2 का होल स्क्वायर। और हमने बचपन में लॉग की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है बेटा, लॉग m^n इज इक्वल टू n log m। सर बोल सकता हूँ क्या? बिल्कुल सर। इसका मतलब जो पावर है वो आगे आ जाएगी, और साथ में एक प्रॉपर्टी और पढ़ ले, लॉग m अपॉन n जो होता है बेटा वो आपका होता है लॉग m माइनस लॉग m। सर सही बात है क्या? बिल्कुल सर। इसके भी दोनों प्रॉपर्टीज अपने पास यूज होगी,
तो इस 2 को तो बेटा मैं आगे ले आऊं, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2RT, ये समझ में आ गया होगा, 2 आगे लेके आया फर्स्ट प्रॉपर्टी से। अब है log m अपॉन n, तो इसको मैं बोल सकता हूं log m माइनस log n, इट मींस ln p माइनस ln 2। तो अपना सर फाइनल आंसर मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2RT ln p माइनस ln 2। बिल्कुल सर, ऑप्शन पढ़ा है, देखो आप ऑप्शन नंबर 4। ओहो, तो यहां पे तो सर अपन को डायरेक्ट आंसर मिल गया, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है, केपी की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। अल्टीमेटली क्वेश्चन ये था, केपी कैलकुलेट करना था हेटेरोजेनियस सिस्टम के, और साथ में अपन को लॉग की थोड़ी वैल्यू और ये गिब्स एनर्जी इक्वेशन पता, लॉग की वैल्यू तो भैया अभी से याद कर लो, नेक्स्ट आयोनिक इक्विलिब्रियम में सब जरूर पढ़ने वाली है अपन को, और लॉग की वैल्यूज और कुछ लॉग की जो प्रॉपर्टीज है वो ध्यान होनी चाहिए। और एक बेटा गिब्स एनर्जी इक्वेशन थोड़ा याद रखना, क्योंकि मैं 3-4 साल से यदि प्रीवियस क्वेश्चंस के पेपर देखूं तो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड एक ना क्वेश्चन जरूर आ रहा है। चलते हैं सर, तो इसका अपना ऑप्शन 4 मिल गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग गैसियस इक्विलिब्रियम। सर ये तो अपन को बड़ा सा लग रहा है लेकिन काफी इजी क्वेश्चन लग रहा है। सर मेरे ख्याल से इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एप्लीकेशन काम में आएगी, कि रिएक्शन को जब ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई से बात करें कि मेरे को 3 इक्वेशन दे रखी है, बिल्कुल सही बात, और 3 इक्वेशन से मेरे को एक रिजल्टेड इक्वेशन ये दे रखी है, बिल्कुल सही, इस रिजल्टेड इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा जा रहा है। तो मतलब जो इक्वेशन में आप ऑपरेशन करोगे वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी होना चाहिए, और वो 3 ऑपरेशन हमारे पास है। पहला नेक्स्ट देखते हैं सर, मैं आपको बता ही देते हैं, नेक्स्ट खाली पेज पे देख लेते हैं पूरा इसको अच्छे से। देखो अगर जैसे सपोज करो एक रिएक्शन दे रखी है, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सर के, बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट ऑपरेशन में ये कर रहा हूं कि अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्ट कर देता हूं, अच्छा पूरी रिएक्शन रिवर्ट, रिएक्शन ही पूरी रिवर्ट सर, ओके ओके, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन जाएगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन जाएगा, तो उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 अपॉन हो जाएगा सर। मतलब रिएक्शन रिवर्ट हुई है तो इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/k हो जाएगा, बिल्कुल। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये। सेकंड नंबर प्रॉपर्टी सर, ए अगर बी में कन्वर्टेड हो रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के माने, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से रहे सर, आप n से मल्टीप्लाई कर दो पूरा सर, सर अपन n मान के चल लेते हैं, n कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल सर, बिल्कुल फ्रैक्शन में माने या कैसे भी नेचुरल नंबर, कैसा भी सर, ओके ओके। तो एक ये याद रखें बेटा, यहाँ पे रिएक्शन जो मल्टीप्लाई होगी वो पूरी रिएक्शन मल्टीप्लाई होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए एक से एक को मल्टीप्लाई करते दूसरे को नहीं, पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई है सर, के इक्विलिब्रियम जो होगा जो मल्टीप्लाई किया है वो पावर में चला जाएगा सर, मतलब जिस रिएक्शन को जिससे मल्टीप्लाई किया है, एन कुछ भी हो सकता है, तो जो मल्टीप्लाई किया है वो फैक्टर पावर में चला जाएगा, बिल्कुल सर। थर्ड प्रॉपर्टी की बेटा मैं बात करूं तो जैसे मान लीजिए अपन को रिएक्शन दे रखा है ए चेंज इन टू सी, इसके लिए इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के 1 दिया है, बी चेंज इन टू डी, इसके लिए इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के 2 दिया है। अब मेरे को मान लो रिएक्शन को एड करना है, रिएक्शन ऐड करते हैं तो याद रखिएगा रिएक्टेंट रिएक्टेंट के साथ ऐड होता है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट के साथ ऐड होता है, तो मैं बोल सकता हूं ए प्लस बी चेंज इन टू सी प्लस डी, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, जब रिएक्शन को ऐड करते हैं तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, सही बात है क्या सर? सही सर। तो ये 3 बेसिकली प्रॉपर्टी है, और एक अपन ऐसा बोलेंगे अगर रिएक्शन को अगर आप माइनस कर रहे हो सर तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल वो तो वही बात हो जाएगी सर, बिल्कुल है ना, तो K1/K2 हो जाएगा अगर आप रिएक्शन को माइनस कर रहे हो तो, वो तो बेटा वही बात है, उल्टा करके ऐड करो तो बात वही पड़ेगी बेटा, ठीक है। चले सर अब दिखाइए ऑप्शन, ठीक है अब ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, हमको डिजायर्ड इक्वेशन ये चाहिए, 3 इक्वेशन ये दे रखे हैं सर, मेरे हिसाब से नीट में क्वेश्चन आ भी चुका है। यस सर बिल्कुल सही कह रहे हो सर, मेरे को ये ऑप्शन में से रिएक्शन देखते ही मेरे को ये मालूम चला यहाँ पे 3H2O चाहिए सबसे पहले, इसका मतलब इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो सर इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो जो हमको पूछा है इसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन करने हैं अपन, बिल्कुल सर। तो ये K3 का क्यूब होगा सर सबसे फर्स्ट ऑफ थिंग, तो सर मैं तो ये कह रहा हूँ K3 का क्यूब आएगा चाहे अपॉन में आए चाहे ऊपर आए, तो K3 का क्यूब यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, तो इसका मतलब सर ये तो आपने डायरेक्ट क्वेश्चन को करने सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब अगर आपको तो भी चाहिए कि नहीं, मेरे को तो यही ऑपरेशन चाहिए कि क्या होने वाला है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो इक्वेशन सारी बन गई है सर, ये 3/2 बन गया है, ये 3H2 बन गया, अब मेरे को अमोनिया चाहिए सर लेफ्ट हैंड साइड में, और अपन को दे रखा है राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब इसको माइनस करना पड़ेगा, इसका मतलब सर अपना पहला अपॉन में लग जाएगा, तो इसका मतलब जैसे ही मैंने इस रिएक्शन को बेटा रिवर्ट किया तो अपने पास आया 2NH3 चेंज इन टू N2 प्लस 3H2, और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो अपॉन हो जाएगा, आ जाएगा 1/K1। सेकंड इक्वेशन में 2N और राइट हैंड साइड में सर 2N और राइट हैंड में चाहिए, बिल्कुल सही बात है सर, 3H2 और राइट हैंड में, 3H2 और राइट हैंड में चाहिए, तो मतलब सर अब अपन को जो रिएक्शंस चाहिए वो मिल गई है, तो अब सिंपली अपन इक्वेशन ऐड कर लो सर, और ऐड कर लेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनके मल्टीप्लाई होंगे,
तो बेटा जैसे ही अपन ऐड करेंगे तो सर एक बार ऐड करेंगे एड बिल्कुल सर, ये देखो आप इस रिएक्शन को रिवर्ट किया तो यहाँ एन टू इधर था, एन टू इधर था, ये कैंसिल आउट हो गया। बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है सर, 3H2 थर्ड वाली इक्वेशन में रिएक्टेंट की साइड में, उधर प्रोडक्ट की साइड में, ये कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली रिएक्टेंट की साइड में अब जो कुछ बचा है वो ये बच गया 2NH3, और ये O2 plus 3/2 O2 हो गया 5/2 O2। तो सर मतलब 2NH3 हमें मिल गया, 5/2 O2 हमें मिल गया। प्रोडक्ट की साइड में सर 2NO ये रहा और 3H2O ये रहा। रिएक्शन हो गई, तीनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। अब अपन ने जैसे इनको मल्टीप्लाई किया तो अपने पास ये था कि 1/K1 into K2 into K3 का क्यूब, तो अपन को ये मिल गया K2 K3 का क्यूब अपॉन K1। ये अपना सर आंसर होना चाहिए। बिल्कुल यही आंसर है सर, फोर्थ वाला ऑप्शन। तो इसका मतलब फोर्थ, तो अपन ने इसका शॉर्ट ट्रिक भी देख ली और अपन ने स्टेप बाय स्टेप मेथड भी इसका देख लिया है। हमने पहले भी बोला था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो मोड ऑफ द रिएक्शन, तो ये था मोड ऑफ द रिएक्शन के तीन केस आ रहे। अच्छा, जो अपने पीछे बात की थी कि इक्विलिब्रियम टेंपरेचर के ऊपर डिपेंड करता है और एक मोड ऑफ द रिएक्शन, तो ये मोड ऑफ द रिएक्शन का था। टेंपरेचर के आगे ऊपर अभी अपन आगे बात करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं सर अपन। सर ये बहुत शानदार क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सर इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये यहाँ भी पूछा जाता है और थर्मोडायनेमिक्स भी पूछा जाता है। तो सर इसको मैं समझने के लिए मैं इसको सोच रहा हूँ, एक बार आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूँ। द फॉलोइंग ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन log k एंड 1/t इन विच स्ट्रेट लाइन अकर विद 45 डिग्री एंगल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा h नॉट। तो सर मैं इसकी यदि बात करूं एक बार, तो एक बार एक पेज खाली करके अपन देख लेते हैं। तो पेज खाली करके अपन बेटा बात करें तो अपन को ये पता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। सही बात है, ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन है सर। ओके, तो बेटा एक तो इक्वेशन ये आ गई डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। बेटा एक अभी मैंने एट इक्विलिब्रियम के केस में बात करके आया हूं कि डेल्टा जी नॉट जो होता है आपका वो माइनस 2.303 आरटी लॉग के इक्विलिब्रियम होता है। सही बात है क्या सर? बिल्कुल। तो बेटा ये वैल्यूज यदि मैं डेल्टा जी नॉट की यहाँ पुट करूं तो हमको मिलेगा माइनस 2.303 आरटी लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। सही बात है क्या सर? सही है सर। सर यदि मैं यहाँ पे ग्राफ की थोड़ी सी बात करूं तो मैं इस पूरी इक्वेशन को माइनस 2.303 आरटी से वाई को अकेला बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल, तो वाई यहाँ पे अपना लॉग के इक्विलिब्रियम है, तो मैं यहाँ पे माइनस 2.303 आरटी से पूरी रिएक्शन को डिवाइड करूंगा। तो जैसे मैंने डिवाइड किया तो हमको मिला लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन माइनस 2.303 आरटी, ये माइनस टी डेल्टा एस नॉट अपॉन माइनस 2.303 आरटी। सही बात है सर? बिल्कुल। तो बेटा यहाँ से टी कैंसिल आउट हो गया है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात करूं और इसको थोड़ा अरेंज करूं तो लॉग के इक्विलिब्रियम हमें मिल गया 1/-2.303 आर या डेल्टा एच नॉट अपॉन, ऐसा कर लेते हैं जिससे थोड़ा अपन को y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म बन जाए, डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303। ये तो बिल्कुल सर y इज इक्वल टू mx प्लस c जैसी इक्वेशन दिख रही है। तो सर इसका मतलब ये हम इसको कंपेयर करें तो y इज इक्वल टू mx प्लस c की बात करें। सही बात है, उसका मतलब डेल्टा एच नॉट जो टर्म्स आनी चाहिए सर वो स्लोप वाले केस में आएगी, तो स्लोप जो बन रही है वो होती है टेन थीटा के बराबर, और टेन थीटा बन रहा है माइनस का डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर बन रहा है। तो टेन थीटा, थीटा 45 है तो टेन 45 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो सर टेन 45 मतलब 45 हमको क्वेश्चन में दिया है, स्लोप 45 डिग्री है, ये आ जाएगा। तो डेल्टा एच नॉट की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी माइनस में 2.303 आर, और आंसर कैलोरी में दे रखे हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, तो माइनस में 4.6 कैलोरी के आसपास आंसर। ओके, 1045 डिग्री की वैल्यू बेटा 1 होती है, ये चीज थोड़ा ध्यान रखें। और जैसे ही अपने आर की वैल्यू ली, आर गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यूज अलग अलग होती है, जूल में बात करें तो 8.314 के ऊपर डिपेंड करती है, और गैस स्टेट में मतलब स्टेट ऑफ मैटर में प्रीवियस में आपने गुरु नीति वाले टॉपिक में देखे थे कि इसके ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि आर की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है। बिल्कुल, तो यही था वाला वो वाला। तो कैलोरी की बात करी, 2 ले लिया तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास आया -4.606 कैलोरी के समथिंग। अब ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। बिल्कुल सर, सेकंड वाला ऑप्शन है माइनस, तो डायरेक्ट हमारे को मिल गया -4.606 कैलोरी। देखो माइनस प्लस का स्पेशली बेटा आप लोग ध्यान रखें। चले सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल सर, तो सर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट।
तो उसमें अपन बात करें, पहली बात तो करेक्ट स्टेटमेंट की बात की है, बिल्कुल फर्स्ट बोल रहा है अपन को द वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम ऑलवेज इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सर मैं जहां तक समझ रहा हूँ ये ऑलवेज के कारण ये ऑप्शन थोड़ा सा दिक्कत, ऑलवेज की वजह से ऑलवेज तो इंक्रीज होना ही नहीं चाहिए, वो डिपेंड करता है रिएक्शन का मोड कैसा है, एक्सोथर्मिक है। नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं अपन, मैं अगर नेक्स्ट पेज पे बात करूं तो देखिए अगर अपन बात करें लॉग के टू अपॉन के वन, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये होता है डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर। सर केमिकल काइनेटिक्स में भी देखा, बिल्कुल बिल्कुल सर, 1 अपॉन टी 1 अपॉन 1 माइन 1 अपॉन टी 2, ये इक्वेशन बनेगी, ये इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पे टी 1 टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो तो है के 1, और टी 2 टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो है के 2। बिल्कुल सही बात है सर, ठीक है सर। अब अगर मेरे को रिएक्शन के मोड के ऊपर रहेगा, क्योंकि डेल्टा एच डिपेंड करता है, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई मतलब उष्मा शोषी अभिक्रिया अगर हुई, बिल्कुल सही, तो उष्मा शोषी में डेल्टा एच जो होता है सर पॉजिटिव होगा, बिल्कुल सही बात है सर। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी, बिल्कुल सही, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है। इफ टी 2 इज ग्रेटर देन टी 1 हो गया, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव बनेगी सर, 1 अपॉन टी 1 माइनस 1 अपॉन टी 2, तो इसका मतलब ये होगा कि log k2 by k1 जो होगा वो पॉजिटिव बनेगा, बिल्कुल सही बात है सर। log 1 की वैल्यू होती है 0, अगर ये 0 से ज्यादा आ रहा है इसका मतलब k2 by k1 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, बिल्कुल सही बात है सर। इसका मतलब k2 ग्रेटर देन होना चाहिए k1 से, यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको, log 1 की वैल्यू 0 है और ये 0 से ज्यादा आ रहा है इसका मतलब ये 1 से ग्रेटर रहेगा, बिल्कुल। तो मैंने कहने का मतलब ये हो गया, मैंने आपको ये पूरा एक्सप्लेन किया है कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, बिल्कुल सर। जो अपन बोल रहे थे ना दो फैक्टर सर, उसमें से दूसरा फैक्टर ये, इसी टाइप से अगर एक्सोथर्मिक होगा तो एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर अगर ग्रेटर देन होगा इनिशियल टेम्परेचर टी वन से, तो वहां पे के टू लेस देन हो जाएगा के वन से, क्योंकि अपने पास वहां पे डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगी, बिल्कुल सही, इसलिए ऐसा होगा। मैं अल्टीमेटली ये बोल दूं एक बिल्कुल शॉर्ट में, तो अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो एरो सेम डायरेक्शन में होंगे, एरो सेम डायरेक्शन का मतलब टेम्परेचर का एरो ऊपर की डायरेक्शन में, तो के इक्विलिब्रियम का भी ऊपर की डायरेक्शन में, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, और अगर एक्सो होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, मींस टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कम हो। सर ये दोनों फॉर्मूले अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार अपन ये बार बार डेरिवेशन नहीं करेंगे, आपको ये डायरेक्ट चीज याद होनी, ये अभी याद रहे आपको, ठीक है, कि एंडो में दोनों एरो सेम डायरेक्शन में और एक्सो में दोनों एरो अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ चलिए ऑप्शन पे आते हैं वापस, ओके ओके ठीक है सर। फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, फर्स्ट ऑप्शन तो सही नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, तो ये तो गलत है, ये एंडो और एक्सो के ऊपर डिपेंड करेगा। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है कि उच्च ताप पर जल में गैसों की विलयता उच्च होती, ये भी गलत है, ये तभी होगा कि जब रिएक्शन एंडोथर्मिक हो। लेकिन आपने सॉल्युबिलिटी वाले टॉपिक में, लास्ट टॉपिक जो हुआ था सॉल्यूशन का, उसमें हेनरी लॉ पढ़ा था, उसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की बात की थी, तो उसमें अपन ने बोला था कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक होती है तो इसका मतलब टेम्परेचर अगर कम होगा ना तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, बिल्कुल सही बात है सर। अगर आपको मालूम है तो अपन ने सॉल्यूशन वाले टॉपिक में ये पढ़ा, कोल्ड ड्रिंक्स में जो होती है वो CO2 डिसॉल्व होती है, बिल्कुल सही बात है ना, तो अपन कोल्ड ड्रिंक जब पीते हैं तो अपन बोलते हैं ठंडी पीनी चाहिए, तो ठंडी पीने का मतलब क्या, अपन को जो टेस्ट आता है वो CO2 की वजह से आता है, तो CO2 की वजह से अपन कहते हैं टेम्परेचर अगर कम होगा, ठंडी होगी इसका मतलब टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी सर ज्यादा होगी, बिल्कुल ज्यादा डिसॉल्व हो रखी होगी, तभी तो अपन कहेंगे कि अगर आपने कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो बोलते हो टेम्परेचर जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए, आपके तो ठंडी कोल्ड ड्रिंक दो, तो उसका रीजन ये है, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी तो आपको CO2 का टेस्ट आएगा, इसका मतलब यदि आप नॉर्मल या थोड़ा सा गर्म पी तो आपको उसका टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो सॉल्युबल पूरा नहीं हुआ है, बिल्कुल सर, फिर आप ऐसा बोलते हो मजा नहीं आया, तो वो ऐसे ही आएगा। चलो थर्ड ऑप्शन देखें, थर्ड ऑप्शन बेटा अपन को बोलता है इंट्रोडक्शन ऑफ इनर्ट गैस इन अ गैसियस रिएक्शन, डेल्टा एन जी नॉट इक्वल टू जीरो एट इक्विलिब्रियम, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट, मतलब नियत दाब पर अक्रिय गैस मिलाने पर साम्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सर अक्रिय इनर्ट गैस मिलाने के दो तरीके हैं, अगर आपने इनर्ट गैस मिलाई है तो दो तरीके से मिला सकते हो, एक तो नियत दाब पर और एक नियत आयतन पर। सर ये अपन ने लीच एटलियर प्रिंसिपल में पढ़ा, उसी की बात कर रहे हो, बिल्कुल सर लीच एटलियर प्रिंसिपल है, अगर नियत आयतन पर मिलाते हो एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर में अगर आप मिलाओगे तो 100% चेंज होगा, इसने बोला कोई इफेक्ट नहीं होगा। मैं इसी को नेक्स्ट प्रॉब्लम में एक्सप्लेन करने वाले सारे के सारे लीच एटलियर प्रिंसिपल को, तो नियत दाब पर है तो इफेक्ट होगा,
होगा तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो सर इसका मतलब ऑप्शन तो अपना फोर सही है सर, और फोर डायरेक्टली सर ऐसा अपन डिस्कस कर चुके हैं, द लार्जर वैल्यू ऑफ के इंडिकेट्स द प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल रिलेटिव टू रिएक्टेंट। इसका मतलब अपन ने पहले पढ़ा था, बिल्कुल सर, ये स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड की बात की थी, वही वाला है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो के की वैल्यू यदि ज्यादा है तो अपना प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, बिल्कुल ज्यादा होगी सर। तो इसका मतलब सर ये सही है, तो अपना फोर्थ ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही है सर। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है सर, फोर्थ आंसर राइट हो जाएगा। ओके, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 अपन को बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इन अ क्लोज वेसल N2O4 चेंज इनटू 2NO2 एट अ फिक्स्ड टेंपरेचर, द वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन कंटेनर इज हाफ, फॉर दिस चेंज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रू रिगार्डिंग द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सर मैं यहाँ जहां तक समझ रहा हूँ ये एक्चुअली में अपन को थोड़ा सा ली चैटलियर प्रिंसिपल से रिलेटेड बात, सर ली चैटलियर प्रिंसिपल से रिलेटेड भी बात कर रहा है, और सेकंड नंबर ये बात कर रहा है, एक तो इसने बोला है कि सामने स्थिरांक केपी चेंज होगा या नहीं होगा, और सेकंड बोल रहा है डिसोसिएशन जो अमाउंट है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो चेंज होगा या नहीं होगा। सर मेरे को ये समझ में आ रहा है, अपने जो दो फैक्टर बोले थे ना वो दोनों फैक्टर चेंज नहीं हुए, एक तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है और एक रिएक्शन का मोड चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब केपी तो चेंज नहीं होना चाहिए। तो सर अपन डायरेक्टली इसमें तो चीज होगा, तो इसका मतलब सर सेकंड और थर्ड तो नहीं होगा, ये बात तो कंफर्म बात है। तो मतलब आप अपना ऑप्शन 1 बचा और ऑप्शन 4 बचा। बिल्कुल सर। अब सर मैं यहाँ पे अल्फा के लिए ये बोल सकता हूँ कि रिएक्शन के अकॉर्डिंग अपन देखें मोल चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम चेंज होगा। बिल्कुल सर, वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो सर उसके रिस्पेक्ट में अल्फा भी चेंज होगा। बिल्कुल चेंज होगा, इसका मतलब सर इसमें अल्फा तो चेंज होना चाहिए। बिल्कुल होगा, इसका मतलब सर इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, एपी चेंज नहीं होगा बट अल्फा चेंज होगा। हाँ, और फोर्थ ऑप्शन अपना रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि अल्फा चेंज हो रहा है और ये बोल रहा है नहीं होगा। बिल्कुल, तो फोर्थ ऑप्शन भी सर अपन रॉन्ग कर देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट चेंज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इन द इक्विलिब्रियम। तो सर एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली में चारों ली चैटलियर्स के जो फैक्टर है। बिल्कुल सर, मतलब प्रेशर वाला बोल दिया, वॉल्यूम वाला बोल दिया, टेम्परेचर बोल दिया। बिल्कुल सर, तो एक्चुअली में ली चैटलियर प्रिंसिपल को डिस्कस करना चाह रहा है। चलो सर अपन नेक्स्ट पेज पे ली चैटलियर प्रिंसिपल को डिस्कस कर ही लेते हैं। अब आई गई वो बारी। ठीक है सर, अगर मैं जैसे सपोज करो एक रिएक्शन लिख देता हूँ सर, सिंपल सी, कि ए कन्वर्ट हुआ 2B के अंदर। बिल्कुल सही बात है सर, होमोजीनियस मिक्सर ले लेते हैं। ओके ओके, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है सर। ठीक है, अब अपन से क्या क्या इफेक्ट पूछे जा सकते हैं। सर एक बात तो मैं ये बता रहा हूं कि अपन को इफेक्ट पूछा जा सकता है कि रिएक्टेंट ऐड किया या क्या किया। तो केस फर्स्ट तो ऐसा हो सकता है कि आप चेंज करें चेंज इन कंसेंट्रेशन। बिल्कुल सही, तो क्या हो सकता है। तो सर चेंज इन कंसेंट्रेशन, सर दोनों की बात कर लेते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। अगर चेंज इन कंसेंट्रेशन की बात करूं तो रिएक्टेंट का क्या होगा, प्रोडक्ट का क्या होगा। इसमें भी दो केस बन सकते हैं सर, कि रिएक्टेंट इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो। सही बात है। ठीक है, सिमिलर वे में प्रोडक्ट के बारे में भी ये बन सकता है कि प्रोडक्ट को आप इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो। मैं रिएक्टेंट की बात कर रहा हूँ, रिएक्टेंट को इंक्रीज करवाते हैं सर। अगर रिएक्टेंट को अगर आपने इंक्रीज करवाया तो इक्विलिब्रियम तो सर डिस्टर्ब हो गया। बिल्कुल, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो अब यहाँ पे कैलकुलेट होगा सर क्यू। बिल्कुल सही बात है, या क्यूसी बोलो क्यू बोलो, मतलब सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी और केपी तो इक्विलिब्रियम पे निकलता है और ये किसी भी कंडीशन पे निकलता है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे। अगर आपको कंसंट्रेशन का रेशियो चेक करना है तो वो क्यूसी के बराबर आएगा। ये होता है सर पी बाई आर। बिल्कुल, निकलता तो वैसे ही है जैसे केसी निकलता है। बिल्कुल सर, वैसे ही निकलेगा, बस डिफरेंस ये आ गया कि के निकलता है इक्विलिब्रियम पर और ये निकलेगा किसी भी कंडीशन। बिल्कुल सर, रिएक्टेंट बढ़ाया तो क्यूसी की वैल्यू सर हो गई कम। बिल्कुल सही बात, अगर क्यूसी की वैल्यू कम होती है केसी से तो रिएक्शन जो है सर वो जाएगी फॉरवर्ड में। बिल्कुल सही बात है सर, ये एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में अपन पढ़ते हैं कि अगर क्यूसी की वैल्यू केसी से कम है तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। इसका मतलब आप रिएक्टेंट बढ़ाते हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है सर, अगर रिएक्टेंट कम करोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड में आ जाएगी, इसका रिवर्ट इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने एक इफेक्ट बोला है। सिमिलर वे में अगर आपने प्रोडक्ट को अगर बढ़ाया तो प्रोडक्ट अगर बढ़ाओगे तो क्यूसी की वैल्यू बढ़ेगी, अगर क्यूसी ज्यादा होगा केसी से तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड में जाएगी। और सर इसका यदि अपने कम कर दिया तो रिवर्ट वाला रिवर्ट केस बन जाएगा, मतलब फॉरवर्ड में चली जाएगी। तो सर मैं ये बोल सकता हूँ कि यदि अपन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में, या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर दे। बिल्कुल, तो रिएक्शन चली जाएगी। ये और लगा लो बीच में। हाँ, एक ही बात है सर,
तो अपन बोल देंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। और यदि मैंने बोला रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर दो, बिल्कुल, या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दो, तो रिएक्शन बैकवर्ड में, बिल्कुल। तो अपने को ये कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट समझ में आ गया कि एक्चुअली में करना क्या है। एक्चुअल में सर ली चैटेलियर प्रिंसिपल ये बताता है अपन को कि अगर अपन ने कंसंट्रेशन या इक्विलिब्रियम पे कुछ भी चेंज किया, टेम्परेचर प्रेशर कुछ भी चेंज किया, तो इक्विलिब्रियम जो है रिएक्शन उस डायरेक्शन में जानी चाहिए जिधर वापस इक्विलिब्रियम या तो अटेन हो जाए या फिर जो चेंज किया गया फैक्टर है उसका इफेक्ट खत्म हो जाए। मतलब इफेक्ट को अपन को कुल मिला के दोबारा नॉर्मलाइज करना, नॉर्मलाइज करना जिससे इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए। तो ये तो था सर पहला चेंज इन कंसंट्रेशन का। सेकंड टेम्परेचर की अपन बात कर चुके हैं अभी। टेम्परेचर में अपन ने ये बात की थी, टेम्परेचर में अपन ने ये बात किया कि वो तो डिपेंड करेगा एक्सो है या एंडो है। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक में अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया तो फॉरवर्ड में जाएगी। बिल्कुल सही बात है सर। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब प्रोडक्ट बढ़ रहा है। एक्सो में टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी। बिल्कुल सही। तो ये तो सर अपन को देख के पता करना पड़ेगा। और ली चैटेलियर प्रिंसिपल के से रिलेटेड क्वेश्चन सर आता है 100%। बिल्कुल। और ये टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन का कहीं ना कहीं पूछ ही लेता है। ठीक है, ये दो इफेक्ट हो गए सर। अब अपन आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पे बात करें सर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं अब अपन नेक्स्ट इफेक्ट। नेक्स्ट थर्ड इफेक्ट की अपन बात करें, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। सर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों एक साथ ही उधरेंगे। बिल्कुल सही। जो प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग बात कर रहे हो, गैसियस के अकॉर्डिंग, क्योंकि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है। बिल्कुल सही बात है सर। अगर जैसे सर प्रेशर अगर आपने कम किया तो रिएक्शन उधर जानी चाहिए जिधर वापस प्रेशर इंक्रीज हो। बिल्कुल सही बात है। तो रिएक्शन उधर मूव करेगी जिधर प्रेशर इंक्रीज हो, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स बढ़े। बिल्कुल सही बात है। तो अगर आपने प्रेशर कम किया ना सर, तो रिएक्शन उधर जाएगी जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या होना चाहिए, और मोल्स अपन गैसियस मोल्स की बात करेंगे, ये पूरे प्रेशर गैस का ही होता है सर। प्रेशर गैस का ही होता है। हाँ, बिल्कुल। है ना। और अगर आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो रिएक्शन उधर जाएगी जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या होना चाहिए सर, डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज होने चाहिए। ओके ओके। अब यही वॉल्यूम के लिए हो जाएगा सर। तो सर इसका रिवर्ट कर लेंगे, रिवर्ट कर लो सर। अगर आप पी कम होना इसका मतलब वी बढ़ना हो सकता है, और पी इंक्रीज होना इसका मतलब वी डिक्रीज होना हो सकता है। आपने बॉयल्स लॉ में पढ़ा है जो पी और वी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इस बेस पे सर ने जो केसेस है वो रिवर्ट किए। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर प्रेशर का इफेक्ट। ठीक है, फोर्थ नंबर अगर अपन सर बात करें इनर्ट गैस के लिए, कैटलिस्ट सर मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कैटलिस्ट ओनली फॉर इक्विलिब्रियम अटेन होने का जो टाइम है ना उसको रिड्यूस कर सकता है या इंक्रीज कर सकता है। मैं ये कह सकता हूँ इसका मतलब कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम स्टेट दोनों को इफेक्ट नहीं करता है, नहीं करेगा सर। उसका जो टाइम टेकन है उसको अल्टर करता है। बिल्कुल सर, क्योंकि वो ओनली फॉर रेट को ही चेंज करता है। ठीक है सर। अब हम नेक्स्ट बात करें सर इनर्ट गैस का, तो इनर्ट गैस एड करने के सब दो तरीके। बिल्कुल सही बात है सर। दो तरीके ये हो सकते हैं, या तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे मिलाया जाए या फिर जो है सर कॉन्स्टेंट प्रेशर पे एड किया जाए। बिल्कुल सही बात है सर। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे मिलाया ना सर अगर आपने इनर्ट गैस, नो चेंज, अल्फा रिमेंस कांस्टेंट रहेगा। उसका रीजन ये है सर, अगर आपने कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे मिलाया तो ना तो ए की कंसेंट्रेशन चेंज हुई, ना बी की कंसेंट्रेशन चेंज हुई, तो जब आप उसका क्यूसी लिखोगे तो वो केसी के बराबर ही आएगा, इसका मतलब इक्विलिब्रियम ही है। तो यहाँ पे तो आएगा नो चेंज, मतलब अल्फा रिमेंस कांस्टेंट सेम रहेगा। बिल्कुल सही बात है सर। अगर मैं यहाँ पे बात करूं सर कॉन्स्टेंट प्रेशर पे मिलाया तो प्रेशर तो कॉन्स्टेंट रह गया, तो फिर वॉल्यूम की बात, लेकिन वॉल्यूम जो है ना सर वो बढ़ेगा इनर्ट गैस की वजह से। बिल्कुल सही बात। वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन कम होगी, कंसंट्रेशन कम होगी तो कंसंट्रेशन का इफेक्ट खत्म करना है अपन को, तो कंसंट्रेशन बढ़ानी है, तो कंसंट्रेशन बढ़ानी है तो रिएक्शन उधर जाएगी सर जिधर नंबर ऑफ मोल क्या होना चाहिए, इंक्रीज होगा, इंक्रीज। मतलब अपन जो ये बात कर रहे हैं कि जब अपन ने एडिशन ऑफ गैस किया तो बिल्कुल सर टोटल मिला के कांस्टेंट प्रेशर पे गैस मिलाया तो वॉल्यूम बढ़ेगा। हाँ। वॉल्यूम बढ़ेगा इसका मतलब आपको ये वाला केस अप्लाई, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होगा, उधर गैस मिलाने का मतलब वॉल्यूम बढ़ना होगा, कंटेनर में मात्रा बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो अब अपन अपने दोबारा क्वेश्चन, ये चार ली चैटेलियर प्रिंसिपल से रिलेटेड बात होगी सर, ये ली चैटेलियर प्रिंसिपल है कंप्लीटली। ठीक है सर, अब अपन अपने प्रॉब्लम पे आते हैं वापस। प्रॉब्लम ये थी सर, प्रॉब्लम बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट चेंज, ध्यान रखिएगा नॉट बोला है, इस चीज का खास ध्यान रखें, विल नॉट चेंज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इन द इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये हो गया सर कि आप क्या चेंज करते हो कि इक्विलिब्रियम पे अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगी, इसका मतलब उस चेंज का इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो सर सीधा सीधा मुझे कैटलिस्ट दिख रहा है सर, यही दिख रहा है। और सर ये तो बहुत सिंपल हो गया, हमने बार बार पढ़ लिया है, और ये चीज आपको नोट कर लेनी चाहिए कि कैटलिस्ट मतलब जो उत्प्रेरक है वो इक्विलिब्रियम स्टेट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों को इफेक्ट दोनों को चेंज नहीं करेगा। सर ने बताया केवल जो टाइम टेकन है इक्विलिब्रियम अटेन करने में उसके टाइम को अल्टर करता है, साम्यावस्था और साम्यावस्था स्थिरांक दोनों को प्रभावित नहीं करता। सही बात है सर।
तो इसका ऑप्शन थ्री डायरेक्टली करेक्ट हो जाएगा। सर प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर ये 100% इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करेगा। एक चीज और बता दूं मैं आपको, यदि यहाँ पे डेल्टा एन जी जीरो हो जाता तो थोड़े से केसेस थोड़े केस चेंज हो जाते। डेल्टा एन जी जब जीरो होता तो अपन ऐसा बोलता है नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होना चाहिए, तो दोनों साइड के नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाते। ये थोड़ा ध्यान रखें, डेल्टा एन जी जीरो हो जाता तो फिर प्रेशर वाले में दिक्कत आ जाती, प्रेशर और वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं होता फिर। समझ में आ गई बात? जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन बोल दिया आपको, रिएक्शन H2 plus I2 change into 2HI। यहाँ पे ये homogeneous mixture है, तो ये गैस हो गया, ये गैस हो गया, ये गैस हो गया। अब यहाँ पे आप बोलो तो यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम दोनों का ही कोई चेंज नहीं होगा। अब आप सर अगर ये मैं ऐसा बोलता हूँ कि प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन उधर जानी चाहिए जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होना चाहिए, लेकिन सर यहाँ पे तो मोल्स कांस्टेंट है। अब दोनों जगह मोल्स कांस्टेंट है तो यहाँ पे कुछ चेंज आएगा ही नहीं, यहाँ भी 2 मोल यहाँ भी। अच्छा सर एक और अगर आपको ऐसे भी समझना है तो जब आप इसका सर चाहे क्यूसी लिखो चाहे केपी लिखोगे तो न तो प्रेशर की टर्म्स आएगी न वॉल्यूम की टर्म्स आएगी। जब प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म्स आई नहीं तो इसका मतलब प्रेशर और वॉल्यूम चेंज का कोई इफेक्ट होना ही नहीं चाहिए केसी और क्यूसी पे। तो सर इस तरीके से अपना ये लीच एट लिए प्रिंसिपल अपन ने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से लीच एट लिए प्रिंसिपल से रिलेटेड सर बात कर रहा है। अभी अपन ने बात की है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन को कहां ले जाती है। बिल्कुल तो सिंपली सर मैं यहां बात करूं तो ये बोल रहा है कि यदि Cl- की कॉन्सेंट्रेशन आप इंक्रीज कर देते हो तो चारों केसेस के अकॉर्डिंग क्या होगा। बिल्कुल सर। तो सर मैंने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज किया तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो AgCl सॉलिड जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ये भी बढ़ेगा सर, ये भी बढ़ेगा। लेकिन सर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अपन थोड़ा बात कर ले तो मेरे को यहाँ के अकॉर्डिंग बात कर रहा है थर्ड ऑप्शन सर अपना शायद बिल्कुल सर करेक्ट होना चाहिए। ये फॉर्मेशन ऑफ AgCl में बोल रहा हूँ ना सर दोनों बढ़ेंगे। बिल्कुल दोनों बढ़ेंगे तो अपने ऑप्शन में तो ये दे रखा है AgCl सॉलिड जो है उसका फॉर्मेशन की टेंडेंसी जो है वो इंक्रीज फेवरेबल कंडीशन। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 18 बोलता है सम इनर्ट गैस इज एडेड एट यहाँ पे सर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा है तो मेरे हिसाब से सर कांस्टेंट वॉल्यूम आ गया तो कुछ चेंज होना ही नहीं चाहिए। अभी अपन ने सर ने आपको डिस्कस करवाया था कि एडिशन ऑफ इनर्ट गैस के दो केसेस हैं, एक कांस्टेंट वॉल्यूम और एक कांस्टेंट प्रेशर। तो आपको पता होना चाहिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे यदि आप गैस को ऐड करते हो तो कोई इफेक्ट नहीं आता है, जबकि कांस्टेंट प्रेशर पे आता है। यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात कर रहा है तो हम बोलेंगे नो इफेक्ट और बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है चेंज नहीं होगी तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, रिमेन अनअफेक्टेड। तो सर ये तो इजी सा है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन सर वो इजी तब हुआ है तो अपन ने चार केस देखे। बिल्कुल सही बात है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द वेपर डेंसिटी ऑफ N2O4 एट अ सर्टेन टेंपरेचर इज 30 देन परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ N2HO4 एट दिस टेंपरेचर। सर मेरे ख्याल से इसमें अपन ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी एन माइनस वन। यहाँ ये मेरे हिसाब से आप रिलेशन लेके आ रहे हो कैपिटल डी और स्मॉल डी में। कैपिटल डी जो है ना वो है थियोरेटिकल वेपर डेंसिटी। बिल्कुल सही बात है सर। और स्मॉल डी जो है वो एक्सपेरिमेंटल है। बिल्कुल सही बात। एक्सपेरिमेंटल का मतलब टूटने के बाद। तो सर जो हमारे को दे दी है इसने 30। थ्योरेटिकल तो सर देगा नहीं कभी। वो मॉलिक्यूलर वेट का हाफ हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है ना सर। ये N2O4 का डिसोसिएशन है तो फिर तो इक्वेशन ऐसी लिखी जानी चाहिए इसकी। बिल्कुल सही बात है। तो सर यहाँ पे N डेल्टा एनजी नहीं है, यहाँ पे सर N ये बोल रहा है कि 1 मोल रिएक्टेंट से कितना मोल प्रोडक्ट का चेंज हो रहा है। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे 1 से 2 चेंज हो रहा है, इसका मतलब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग N2 है। बिल्कुल सर। स्मॉल डी थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी तो अपन को मॉलिक्यूलर वेट से निकालनी है। ठीक है सर। स्मॉल डी एक्सपेरिमेंटल है जो क्वेश्चन में गिवन होगी जो 30 गिवन है अपन को। कैपिटल डी हो जाएगी सर मॉलिक्यूलर वेट N2O4 का 92 हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट का सर हाफ कर लूं क्या? हाफ कर ले सर। क्योंकि हमको एक रिलेशन पता है मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 × वेपर डेंसिटी। बिल्कुल सर। तो यहां से मॉलिक्यूलर वेट देखें अपन सर 92 इसका 92 है डिवाइड बाय 2 लिया तो सर ये 46 आ गया। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी सर 46 माइनस 30 अपॉन 30 आ जाएगा, ये 2 माइनस 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16/30 सर 50% से थोड़ा ज्यादा आना चाहिए सर। हाँ परसेंटेज की बात कर रहे थे 200 करके परसेंटेज देख लेंगे तो सर ये देखो डायरेक्टली अपन को पता लग रहा है 50 क्योंकि यहाँ 32 होगा। बिल्कुल सर। तो सर मेरे ख्याल से ये थर्ड वाला आंसर है, थर्ड ऑप्शन। अब थोड़ा ज्यादा बोला है इसका मतलब ये नहीं कि सीधे 57 पे पहुंच जाओ। अगर आपको ऐसा लगता है तो सर आप इसे सॉल्व कर ले, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व करके देखोगे तो 0.53 आएगा और परसेंटेज निकालोगे इनटू 100 करोगे देन वी विल गेट 53.3% दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है n की वैल्यू पुट करना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है यहां पे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसीलिए n से रिलेटेड मैंने रखा है जिससे बच्चों को दिक्कत नहीं आए। याद रखें n डेल्टा एन जी नहीं है, n यहां पे ये बोल रहा है 1 मोल रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में कितने मोल प्रोडक्ट के होंगे। सही ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट फिर से सर यही क्वेश्चन मैंने दिया है जिससे अपन को एन का थोड़ा खेल समझ में आ रहा है। बिल्कुल सर, ये दे रखा है डी इज द थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी एंड स्मॉल डी इज द ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी। सपोजिंग एक्स इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर द रिएक्शन देन कैपिटल डी अपॉन स्मॉल 2d विल बी। मेरे को तो ये बात समझ में आ रही सर, कैपिटल डी और स्मॉल डी में आप रिलेशन लिखे। कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी जो होता है वो होता है 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1। बिल्कुल सर, ये यहीं से तो आया जो भी अपने पीछे फॉर्मूला यूज किया था, जो अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी एन माइनस 1। तो इसको मैं वैल्यू करूं सर, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू एक्स है। बिल्कुल सर, एक्स बोला है। एन की वैल्यू लिखनी है सर मेरे को, एन की वैल्यू ये 1 है, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे 3 मोल प्रोडक्ट के, तो एन की वैल्यू 3 होनी चाहिए फिर तो, क्योंकि अभी अपन ने बात की रिएक्टेंट के 1 मोल से प्रोडक्ट के जितने बन रहे दैट इज द एन, तो यहाँ पे एन कितना आ गया, तो ये आ गया 3, 3 माइनस 1 हो गया 2। तो सर इसका मतलब ये आ गया अपने पास कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इज इक्वल टू 1 प्लस 2x आएगा सर। सर लेकिन अपन से यहाँ पे पूछा है डी अपॉन 2d, तो एक काम करो ना सर, 2 से डिवाइड कर दे। बिल्कुल सर, कर दिए, 2 से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा 0.5 प्लस एक्स बन जाएगा। तो सर डायरेक्टली अपना पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया, इसका मतलब बिल्कुल। तो बेटा ध्यान रखें ये फॉर्मूला, चाहे आप ऐसे ही याद रखो, चाहे अपन ने अभी देखा कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी एन माइनस 1, दोनों एक ही बात है, लेकिन सर ने ये आपको इसलिए बता दिया कि आपको इसको सॉल्व करने में टाइम कंज्यूम नहीं। बिल्कुल, क्यों अपन को इसी फॉर्मेट में चाहिए था ना सर, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी जिस फॉर्मेट में चाहिए था मैंने उसी के अकॉर्डिंग आंसर लिखा है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर। नेक्स्ट बोलता है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज गिव्स सुक्रोज प्लस H2O चेंज इनटू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। बिल्कुल, ये ऑर्गेनिक में रिएक्शन भी आएगी सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस। सर ये अगेन डेल्टा जी नॉट से रिलेटेड बात कर ली जो अपन ने थर्मोडायनेमिक्स में भी बताई थी और अभी फिर से बता रहे हैं। हाँ। तो एक बार सर इसको आप इक्वेशन लिख दीजिए। अब उनको बोला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है और डेल्टा जी नॉट, तो डेल्टा जी नॉट तो अपन को ये दे रखा था -2.303 आरटी लॉग केसी। बिल्कुल, ये इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो हो जाता है, क्यू आपका के इक्विलिब्रियम में चेंज हो जाता है। सर एक मैंने को चार ऑप्शन मैंने कहा था ना, पेनी नजर रखनी है, पेनी नजर तो ये बता रही है कि आंसर जो है ना वो माइनस में आएगा सर, और माइनस में एक ही ऑप्शन है सर। तो इसका मतलब सर इसका यदि अपन माइनस की बात करें तो सेकंड फर्स्ट और थर्ड तो रॉन्ग हो गया। रॉन्ग हो गया सर। सर एक बार इसको सॉल्व और कर दो जिससे बच्चों को पता लग जाए क्या कर रहे हैं। 0.303 आर की वैल्यू सर जूल में चाहिए तो 8.314 है, ये गैस में अपन ने पढ़ चुके हैं। बिल्कुल सर, टेम्परेचर 300 है। बिल्कुल सही बात है सर, लॉग 2 × 10⁻³ हो गया सर। और सर लॉग सॉल्व करना इनको सीखना पड़ेगा, यहां पे इनटू प्रॉपर्टी लग रही है लॉग m into n। मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, लॉग m into n बेटा हो जाता है आपका लॉग m प्लस लॉग n, एक तो ये काम आएगा, और एक बेटा अपन बोल सकते हैं लॉग m टू दी पावर n जो हो जाएगा, ये अपन ने पहले बता दिया था सर, log m हो जाएगा। तो यहां से आप वैल्यूज जैसे ही ये सॉल्व करोगे तो आपको बेटा डायरेक्टली फोर्थ ऑप्शन करेक्ट बिल्कुल हो जाएगा सर। तो ये बेटा आप कर सकते हो। बेटा ये इस तरीके से हम लोगों ने आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 21 क्वेश्चंस में पूरी थ्योरी कंप्लीट करवाने की, पूरी थ्योरी को थोड़ा समझाने का मैंने ट्राई किया। अपन एग्जाम रिलेवेंट जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे आपके कवर हो जाएंगे, बस आपको एक थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल अगर पढ़ना चाहते हो तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम उनको आप एक बार जरूर देख लें। उसके अलावा हमने सारे क्वेश्चन के जितने भी फॉर्मेटिंग है उन सबको कवर कर लिया इस वाले टॉपिक। और एक बेटा ये याद रखें, आपको लॉग इसमें थोड़ा बहुत आया है लेकिन इक्विलिब्रियम काइनेटिक्स में जब बात करेंगे मैं यही बात होने वाली है लॉग की वैल्यू। आप लॉग यदि आपको नेक्स्ट चैप्टर गुरुनीति वाला जो देखना है और उसको अच्छे से समझना है तो लॉग की आपको पहले प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, फिर अपन कुछ नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें आयनिक इक्विलिब्रियम देखेंगे। इससे पहले आप अपना जो YouTube और Facebook पे अपना YouTube CLC का चैनल है गुरुनीति जिस पे आ रहा है उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे आपको कंटिन्यू इससे रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।